सो हेलो बच्चा पार्टी नमस्कार आदाब सस्काल एंड केम चो वेलकम टू एस एस पी देंसे चैनल एंड द प्लेस वेर फीलिक्स एंड यू रिलाइज मोहब्बत विद्जेक्ट एंड यस दिस इज अबाउट दबंग बैच जो कि मैंने सीबीएसई दो हजार चौबीस के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चा लोग एंड एक एक लाइन आपकी एन सी आर टी की सब कुछ कवर हो जाती है इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपका कंप्लीट चैप्टर टू आपके एन सी आर टी में जितने भी पॉइंट हैं वो सब कवर हो जाएंगे अलॉन्ग विथ दी एनसीआर टी का एग्जाम्पल एज वेल उम्मीद करता हूं कि आपने चैप्टर वन और चैप्टर वन का एनसीआर टी का सोल्यूशन वीडियो देख लिया है नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्ले लिस्ट का लिंक है और कॉमेंट में भी पिन किया हुआ है वहाँ से जाके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं वन शॉर्ट वीडियो है बच्चा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको मजा आ जाएगा चलिए तो बात करते हैं हम कि एनसीआरटी में इस चैप्टर के अंदर कॉन्टेंट क्या क्या है जो हम कवर करने वाले हैं सो so, हमारे पास है इंट्रोडक्शन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा भी आपको मजा आएगा देन इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल फिर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस एंड दर इक्यू पोटेंशल सर्फिस पोटेंशियल एनर्जी ये सब कुछ बच्चा इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं एक एक पॉइंट जितने भी आप यहाँ देख रहे हो सब टू पॉइंट नाइन है इलेक्ट्रोसिटी ऑफ कंडक्टर डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन ये सब हमारा कवर होगा दैन कैपेसिटर एंड कपैसिटर्स द पैरल पेट कपैसिटर इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ कपैसिटर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ के कैपैसिटर इज ओनली अ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस तो आपके एन में जो सिलेबस है इस बार काफ़ी रिड्यूस हुआ है उसी के बेसिस पर हम ये सब कवर करने वाले हैं तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से खूबसूरत सी बटन रेड वाली दबा करके इस चैनल का हिस्सा बन जाइए एंड साथ ही साथ डू तो नॉट फॉरगेट टू तो प्रेस द तो तो बेल आइकन बिकॉज जो भी वीडियोस आए वो आप तक पहुंचे इसे नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है साथ ही यहां पर जो भी मैं पढ़ाऊंगा बच्चा इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम से मिलेंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का एस टेलीग्राम है तो ज्वाइन जरूर करिएगा बच्चा चलिए तो समझते हैं अब अगर मैं एनसीआरटी का सेकेंड चैप्टर देखूँ तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया पॉइंट को लेकिन जो लैंग्वेज यूज करते हैं एनसीआरटी में वो काफी डरावने होते हैं बच्चा अगर उसे रीड करने जाता है तो टफ लगता है लेकिन यहाँ पर बच्चा आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि फिजिक्स में अगर आप जीरो पर होना ट्रस्ट में आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा आपको लगेगा यार ये इंसान पहले क्यों नहीं मिला ठीक है ये रॉकी भैया बाबा एस एस पीज ऑलवेज विथ माई बच्चा पार्टी चलिए समझते हैं चैप्टर के अंदर है क्या जैसा कि मैंने आपको चैप्टर वन में पढ़ाया था चार्ज फिर चार्ज क्या की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अब चार्ज आ जाएगा वो चार्ज चलने लगेगा और हमें उसकी प्रॉपर्टी समझनी है हर एक चैप्टर का बच्चा एक थीम होता है आत्मा होती है वो आत्मा आपको फील करनी होती है यहाँ पर देखिए चैप्टर का थीम क्या होगा जैसे ये आपका चार्ज है इसने अपने आसपास क्या बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज आ जाए तो ये इसके ऊपर लगेगा फोर्स फोर्स की वजह से इसका होगा डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वर्क यही वर्क को आप एनर्जी कहेंगे इसी एनर्जी को आप इसी चैप्टर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे यही पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के, के कहानी के फॉर्म में भी आगे, आगे आपको मिलती चली जाएगी तो देखिए कितना प्यारा सा थीम है समझिए मैं फिर से जो रिपीट कर रहा हूँ आपने इससे पहले पढ़ा था चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अगर आप पढ़ोगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज आ गया तो फोर्स लगेगा एफ एक के हिसाब से गुरुणा और रॉकी भाई वाली कहानी फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क वर्क मतलब एनर्जी एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी फिर केपेसिटर की पूरी कहानी आ जाएगी है ना तो ये हमारा हो गया छोटा सा हिस्सा जो हमें दिमाग में रखना है आप थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं चलिए तो सबसे पहले अगर मान लो यहां पर मेरे पास में एक चार्ज है बच्चा मैं इस चार्ज को कहता हूं सोर्स चार्ज तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रॉकी भाई है जो अपना इलाका बना रहे हैं हर डायरेक्शन में इन्होंने अपना इलाका एक रेंज तक बना कर रखा है ठीक है इस सोर्स चार्ज से बच्चा समझिएगा बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आने वाली इस सोर्स चार्ज से यहां पर इन्फिनिटी पर एक चार्ज बैठा हुआ है स्मॉल क्यू जिसे हम गरुड़ा भी कह सकते हैं बच्चा ध्यान से देखना ठीक है क्योंकि यहीं पर आपका चैप्टर टू का एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट सामने आएगा मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं इसको बहुत गलत तरीके से पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट कच्चा हो जाता है फिर बच्चे ने मेडिकल से फंसते हैं तो आपका जेई और नीट हो सब कवर हो जाएगा ध्यान से देखिए स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो भी हो जाएगा तो इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पर मतलब काफी दूर रखा हुआ है अब हमारा टास्क ये है कि अगर मैं इन्फाइनाइट पर रखे हुए इस चार्ज को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ मान लीजिए कोई पॉइंट पी है बराबर यहाँ हम कोई पॉइंट पर लेकर के आगे पी पी पॉइंट पर इस चार्ज को हम लेके आना चाहते हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये चार्ज अपने आप यहाँ आ सकता है

अगेंस्ट द ग्रेविटी बिकॉज ग्रेविटी इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट दिस बॉडी इन दिस वे एंड आई हैव टू मूव दिस बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी सो मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट धीरे धीरे काम करना पड़ेगा जितना ग्रेविटी इसके ऊपर काम कर रही थी उसके अगेंस्ट में धीरे धीरे उतना ही मुझे काम करना पड़ेगा तो जो भी मैं काम करूँगा वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा जिसे हम कहते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्ड देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वही चीज यहां क्या बोली जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बट क्या ये डायरेक्ट जा सकता है नहीं हमें काम करना पड़ेगा उसी तरह से इस चार्ज को भी ये वाला चार्ज रिपेल करता रहता है जस्ट लाइक ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है ये रिपेल कर रहा है ऐसे तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जो की पॉजिटिव है आउटवर्ड डायरेक्शन आई वॉन्ट टू शिफ्ट दिस चार्ज फ्रॉम आउटवर्ड टू दिस वे टूवर्ड्स तो एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि आप या कोई और काम करेगी इंफिनिटी से पी पॉइंट पर इसको लाने के लिए ठीक है अब जरा समझते हैं वो काम क्या होगा तो वर्क टर्न बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है बच्चा यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी ये वर्क डन किसके बराबर होगा इंटीग्रेशन एफ एक्सटर्नल डॉट में डी आर बच्चों प्लीज कॉन्सेंट्रेट मारिएगा बिकॉज आगे के दो तीन पॉइंट भी यहाँ कवर हो जाएंगे अब वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन हमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के थ्रू हम इसको लेकर आ रहे हैं एक झटके में तो लेके आ नहीं सकते क्योंकि बड़ा इंटरवल है आप इसको छोटे-छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के थ्रू ऐसे DR DR जितना डिस्प्लेसमेंट्स के थ्रू इसको लेकर के आप यहाँ पर आ रहे हो ठीक है तो यही जो आपका वर्क डन है ये इस तरीके से निकलेगा इंटीग्रेशन fx टर्नल dr एंड मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना तो यहाँ पर है इंफिनिटी और यहाँ पर है पॉइंट p पॉइंट p की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं r बराबर चलिए अब इनफाइनाइट से लेकर के ये हो गया r एफ एक्सटर्नल पर क्या होगा अगर मैं यहाँ पर चार्ज को लेके आ तो like q, q इज लाइक पर, पर हमने यहां पर आर लिखा इन्फिनिटी से आर क्योंकि पहले डिस्टेंस था यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या था बच्चा इन्फिनिटी फिर ये पी पॉइंट पर आ गया पी तो पॉइंट है ना इसलिए यहां पर हमें आर लिखना चाहिए बिकॉज इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस पर आप लेकर के आए तो के क्यू स्मॉल क्यू और इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है आर स्क्वायर डॉट को हटाते हैं तो हमेशा यहां पर क्या आता है कॉस थीटा आता है अब बहुत ध्यान से देखिएगा थीटा की वैल्यू क्या है व्हाट इज थीटा थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अच्छा देखो फोर्स कैसा है ऐसा एक्सटर्नल फोर्स हाँ मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं तो एक्सटर्नल फोर्स ऐसे है आप चार्ज को ऐसे लेके आना चाहते हो और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा है दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया जीरो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन तो ये आया आपका इन्फिनिटी से लेकर के आर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड देन डी आर कॉस जीरो की वैल्यू वन बट स्टिल टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे यहाँ माइनस रहता है एंड नो वन एक्सप्लेन वाई द रीजन ऑफ माइनस इज हियर कोई नहीं बताता गलत बताता है मैं आपको समझाता हूँ बहुत प्यारे तरीके से आपको फिजिक्स के साथ प्यार करवा दूंगा ये माइनस आने के पीछे का कारण है ये वाला डिस्प्लेसमेंट

कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस चलिए तो कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस अभी आपको बताते हैं तो ये डी आर माइनस है इसीलिए यहाँ पर क्या गया माइनस आ गया अब इसको इंटीग्रेट करते हैं अच्छे तरीके से तो इंटीग्रेशन में कौन बाहर आ जाता है डी के राइट साइड में आर है तो आर को छोड़ के सब बाहर आ जाएंगे तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन में आर का स्क्वायर अंदर रखते हैं क्योंकि वो डी आर जैसा है सो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू आर एंड देन आर पावर माइनस टू एंड देन बच्चा लोग डी आर चलिए बच्चा तो ये आर पावर माइनस टू डी आर आप लोगों को दिख रहा है ठीक है तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं माइनस में के कैपिटल क्यू स्मॉल में क्यू आर पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन होता है पावर में जो कुछ भी रहता है हम उसमें एक जोड़ देते हैं तो ये आपका होगा माइनस टू प्लस वन और नीचे वही पावर हम लिखते हैं इट्स ए इंटीग्रेशन का रूल इन्फिनिटी से लेकर आर बहुत प्यारी चीज आपका वेट करेगी बच्चा ध्यान दीजिएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और ये माइनस टू प्लस वन ये माइनस वन कट जाएगा एंड यहाँ आर की पावर माइनस वन बच्चा है जो कि वन अपॉन आर बन गया इन्फिनिटी से लेकर आर तक तो ये हुआ आपका के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एंड देन बच्चा लोग ब्रैकेट वन अपॉन आर माइनस में वन अपॉन इन्फिनिटी बिकॉज इनिशियली हम क्या प्लेस करते हैं अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट तो ये रिजल्ट आया अब जरा हम इसको ओपन करते हैं और अच्छे से तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर और फिर माइनस में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में इन्फिनिटी ये है बच्चा इन्फिनिटी से पी पर लेके आने वाला वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी जिसका आंसर आया है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर माइनस में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में इन्फिनिटी इस इक्वेशन को आप अपने कहाँ बसा लीजिएगा मन मंदिर में वो भी जीवन काल के अंत समय तक क्योंकि यहाँ से आगे आपके टेक्स्ट बुक का टू पॉइंट टू और टू पॉइंट थ्री कवर होने वाला है ध्यान से समझिए मैंने आपको इस एग्जाम्पल में क्या दिया था कि अगर मैं इस पेन को उठा करके ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं ढिच के ऊपर की तरफ लेकर के जाऊं और फिर छोड़ दूं तो इसमें आ हाँ क्या गया पोटेंशियल एनर्जी हम जो भी काम करते हैं वह पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और जब आप छोड़ देते हैं तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है और पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है उसी तरह से बच्चा अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नली यहां लेकर के आ गया तो इसमें किया गया यह वाला काम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हुआ वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है यानी कि ये जो वर्क डन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये चार्ज इसको फिर से रिपेल करेगा यानी कि यही पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगी और खुद को किस में कन्वर्ट करने लगेगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर अब जरा सोचिएगा बहुत ध्यान से जो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं यह है आपका वर्क इनफाइनाइट टू पी एक्सटर्नल एनर्जी इसे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं यानी कि बच्चा ये हुआ यू एफ माइनस में यू आई तो यू की वैल्यू बेसिकली हो क्या गई के कैपिटल क्यू क्यू स्मॉल अपॉन में आर क्योंकि ये मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ये मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मुला हुआ अब एक और चीज समझिए क्या ये वर्क वर्कन पाथ पर डिपेंड कर रहा है पाथ पर डिपेंड कर रहा है नहीं अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे दिजियां, 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 दिजियां यहां लाता तो भी मेरे वर्क के फॉर्मुले में मुझे ये आर और इन्फिनिटी ही मिलते क्योंकि मैं वर्क के फॉर्मूले में पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं विच इज एंड केट इज आर इट्स अ डिस्टेंस हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर ही डिपेंड करेगा आपका वर्क डन जब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आएगी ना बच्चा याद रखिएगा वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा या ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा और वो हमेशा कंजर्वेटिव ही होता है अगर आपका इलेवेंथ बहुत पक्का होता बच्चा लोग तो ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आता और आई होप बहुत सारे बच्चों का पक्का है जिनका नहीं है यहां समझ लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट को ऐसे 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 करके यहाँ ले जाइए तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में एम जी एच ही लिखेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ पाथ कैसा है So, ऐसे एनर्जीज जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते या उनका वर्क डन पाथ पे इनडिपेंडेंट होता है वहां हमेशा जो फोर्सेस होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है या जो फील्ड होता है बच्चा वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जो आपके सामने आया है अब यहां से एक और चीज समझ लीजिए कि एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल एजेंसी ने जो काम किया वो उसका फॉर्मूला ये है विच इज यू एफ माइनस में यू आई मैं इसी इक्वेशन के अंदर अभी आगे भी चलता हूँ एक और स्लाइड के ऊपर जहाँ आपके लिए और एक बहुत अच्छी चीज आपका वेट कर रही है जस्ट अ सेकेंड लोग एंड हियर वी गो यस जरा एक बार फिर से समझते हैं ये जो हमारा वर्क डन आया इन्फिनिटी टू पी वाया एक्सटर्नल एजेंसी अच्छे अच्छे जेई मेन्स अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे आपके नीट के सवाल और सी बी एस ई तो अपने आप हो ही जाएगा अगर आप बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखोगे तो ठीक है सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल है वो सारे सवाल इससे बनेंगे जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ क्या लिखा बच्चा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर माइनस में में के कैपिटल क्यू क्यू स्मॉल अपॉन इंफिनिटी पक्का ना आप किस चार्ज को दौड़ा रहे थे स्मॉल क्यू को तो मैं यहां से स्मॉल क्यू को बाहर ले जाऊं तो अंदर क्या बचेगा के क्यू अपॉन में आर माइनस में के क्यू अपॉन में इन्फिनिटी इसे बच्चा लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है के आपका इन्फिनिटी टू पी एक्सटर्नल एजेंसी इज इक्वल टू स्मॉल क्यू वी एफ माइनस में वी आई विल थिंक गॉड कुछ कुछ याद रहा है जैसा दिस वी एफ फाइनल पोटेंशियल दिस वी आई इनिशियल पोटेंशियल दिस वॉज द डायग्राम ये कैपिटल क्यू था यहां पर आप लेकर के आए थे ये डिस्टेंस आपका आर था इनिशियल डिस्टेंस आपका क्या था बच्चा इन्फिनिटी ये आपका इन्फिनिटी पर चार्ज स्मॉल क्यू था यह यहां से यहाँ पर आया तो अगर मैं किसी भी चार्ज को फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में देखूं तो मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इज नथिंग बट दैट इज चार्ज मल्टीप्लाई चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहां से हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस में वी आई इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी डिवाइडेड बाई चार्ज अब जरा दसवीं कक्षा की फिजिक्स को याद करिएगा आपका एक बहुत ही खूबसूरत चीज वेट कर रहा है हम पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे पोटेंशियल का मतलब होता था वर्क डन ऑन अ चार्ज ये देखिए वर्क डन ऑन अ चार्ज किसी भी चार्ज के ऊपर जो भी काम बैटरी करती है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं लेकिन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफ्रेंस में रहता है अगर आप कहते हैं बच्चा 10 वोल्टेज की बैटरी तो वास्तव में दैट इज नॉट अ 10 वोल्टेज बट दिस इज अ 10 वोल्टेज एंड जीरो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी आप बैटरी में ऐसा नहीं देखते कि सिर्फ एक प्लस सिंबल होता है एक माइनस सिंबल भी होता है एक तरफ जीरो तरफ दस लेते हैं डिफरेंस आपका दस वोल्टेज आता है तो भी हम बोलते हैं पोटेंशियल दस वोल्टेज की बैटरी है है ना लेकिन वो इंपॉर्टेंस किसका है पोटेंशियल का कि पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस का अब जरा आप आपके टास्क में भी देखो इनिशियल पोटेंशियल आपका क्या है इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिटी पर है इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो ही है लेकिन हर जगह पे जीरो होगी क्या नहीं दिस इज द रियल फील ऑफ फिजिक्स आपके नीट और जेई मेंस वाले ऐसे ही सवाल घुमाते हैं एनसीईआरटी में लिखा भी बहुत बढ़िया से है बट उसे कोई डीप में एक्सप्लेन करने वाला नहीं है बाबा एस के दरबार में आपको हर चीज फील के साथ मिलेगा आप मेरी बातों को समझ रहे हैं जैसे मान लो मैं कोई एक ऐसा सवाल पूछ लूँ कि भैया एक पोजिशन है जहां पर इनिशियल वोल्टेज पांच है फिर एक दूसरा पोजिशन है जहां पर दस वोल्टेज है मैं एक चार्ज को पांच से दस वोल्टेज पर लेके आना चाहता हूं कार्य बताइए तो आपको यहां पर VI आई जीरो नहीं लेना है पांच वोल्टेज लेना है ये दस वोल्टेज है और ये चार्ज जिसको मैं दौड़ा रहा हूँ यही अभी आपके टेक्स्ट बुक में आगे के पॉइंट में ऐसा होगा पोटेंशियल ड्यू टू वो पॉइंट चार्ज तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो गया पूरा यही डेरिवेशन है बच्चा जो आप आगे पढ़ोगे यहीं पर सारा निचोड़ मैंने समझा दिया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अरे भैया हाँ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज तो अगर मान लीजिए ये वाला चार्ज है कैपिटल चार्ज है यहां से आर डिस्टेंस पर अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो के कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल आर है ना अगर इन्फिनिटी पर चाहिए तो के कैपिटल क्यू अपॉन में इंफिनिटी जिसको आपने बाद में जीरो कर दिया क्यों क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है जीरो होता है सो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल वीजोडर बाई पॉइंट चार्ज दिस ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि हाँ हाउ टू डिफाइन पोटेंशियल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट पी वर्क डन वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट पी इन दिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एट दट पॉइंट जो भी कार्य आपको करना पड़ा इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा पोटेंशियल अब हम इंफिनिटी से ला रहे हैं इसीलिए ये पोटेंशियल बन जाएगा क्योंकि वी आई आपका जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी नहीं होता तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट सारी चीजों को आप लिखते भी रहिएगा खुद के जो हैंड राइटिंग नोट्स बनाओगे बच्चा वो लाइफ टाइम तक आपको याद रहेंगे और जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर मेरे जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा डाउट क्लियर से याद आया बहुत सारे बच्चों को हमसे पर्सनल भी पढ़ना हो, होने की इच्छा होती होगी कि भैया आपसे लाइव पढ़ें पर्सनल पढ़ें डाउट क्लियर करें तो हमारे पेड बैचेस भी हमारे एप्लीकेशन क्लास 24 पर बहुत जल्द अवेलेबल कराए जाएंगे बच्चा फिलहाल ये लेक्चर्स इतने प्योर हैं कि मैं डंके की चोट पर दावा करता हूँ इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिल सकता महंगे महंगे कोचिंग्स के अंदर महंगे महंगे एड प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको नहीं मिलेगा इतना प्यारा कंटेंट अगर आप दिल से देख रहे हो किसी पेड बैच की ज़रूरत नहीं है बट फिर भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहोगे हमारे फ्यूचर में एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो क्रैश कोर्सेस अवेलेबल कराए जाते हैं ईयर लॉन्ग बैचेस भी अवेलेबल कराए जाएंगे आपको क्लास ट्वेंटी फोर ऐप डाउनलोड करके रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और यू कैन से द पोटेंशियल वेद द चार्ज इनिशियली इट वॉज एट द इन्फिनिटी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशनस है तो अब जरा हम इसको और थोड़ा सा एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ अब ये सारा चीज अगर आप क्लियर रखेंगे ना तो आपके अच्छे अच्छे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे और एनसीआर में बढ़िया बढ़िया सवाल दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए बच्चा अभी जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो एक्सटर्नल फोर्स की एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी चार्ज को छोड़ देता हूँ तो ये अपने आप इधर जाएगा ना है ना और वो कौन लेके जाएगा इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स कौन था ये इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स तो कई बार ना ऐसे सवाल पूछा जाता है कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी या फिर आप बताइए कि वर्क डन वाया कंजर्वेटिव फोर्स थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स तो आपका ये जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा आप बच्चे पूछेंगे माइनस क्यों क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं और उतना ही कर रहे हैं जितना कंजर्वेटिव फोर्स करता यानी बच्चा देखो अगर मैं ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को छोड़ दूं तो दस न्यूटन से इसको इधर फेंक रहा है तो मुझे इसको यहां लाना तो मुझे धीरे धीरे दस न्यूटन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा ना बिल्कुल वही बात हो गई कि अगर इस पेन को मैं आ, नीचे रखा हूं यहां लेके जाना है तो ग्रेविटी इसको खींच रही है दस न्यूटन से तो मुझे दस न्यूटन के अगेंस्ट काम करना है दस न्यूटन दस न्यूटन दस न्यूटन धीरे 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 और यहां ला करके रोक दो जब तक पकड़े रहूंगा तब तक ही रहेगा इसीलिए जो हम वर्कटन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स बात करें तो हमें हमारे आंसर को सिर्फ माइनस करना होता है माइनस में क्यू वी एफ माइनस में वी आई ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना बच्चा कि आई कैन बेट ऑन इट इवन जे एडवांस के भी प्रॉब्लम्स आप आप सॉल्व कर पाओगे इट्स गारंटी जब एडवांस की बात कर रहे हो तो आपकी नीट और सीबीएसई आई एस सी जो भी बोर्ड है वो इजीली हो जाता है ठीक है तो ये थी चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग की कहानी जिसमें अच्छा खासा समय हमने दिया लेकिन बहुत अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट को डीप डाई किया है तो आप इन्हें एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बच्चा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं NCRD का पेज नंबर चलो अब है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ लिया हमने वी इज इक्वल टू क्या के क्यू बाई आर लेकिन आप डेफिनेशन यहां पर जरूर लिख सकते हैं आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं वर्क डन मैं लिख भी देता हूं वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम कहां से इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन एक्सटर्नल फील्ड इसी को हम क्या कहते हैं पोटेंशियल कहते हैं हम एक काम करेंगे हमारे ऑफलाइन के जो बच्चे होते हैं उनको मैं नोट हमेशा लिखवाता हूं भले हम कोई भी मटेरियल दे मैं बोल बोल कर ही नोट्स लिखवाता हूं वो भी मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा यहां पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं मुझसे ठीक है तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल अच्छा पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है तो इसका जो यूनिट होता है बच्चा वोल्ट होता है इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता क्वांटिटी क्या होती है स्केलर होती है दूसरी सबसे खास बात कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और ये जीरो भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो वैक्टर में होता है बट ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा क्योंकि देखो ये इसके फॉर्मूले में चार्ज आ रहा है तो आप तो पढ़ चुके हो चैप्टर वन में चार्ज कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल इज जीरो तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा ये जीरो है तो पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर तो ये पोटेंशियल की कहानी है अब बात करते हैं कि सी बी एस ई में या बोर्ड एग्जाम में थ्योरी कैसे पूछता है तो पी वाई की आप देखेंगे तो तीन चार बार ये पूछ चुका है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू डू अ पॉइंट चार्ज तीन मार्क्स में है ना तो आपको क्या करना है आपको ये वाला डेरिवेशन करना है बिल्कुल ये वाला डिट टू ये वाला आप इसमें शुरुआत में पहले डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने अभी बताया वर्क डन रिक्वायर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिटी टू द गिवन पॉइंट फिर आप क्या लिखेंगे कि एज शोन इन इन द द फिगर वी हैव टेकन अ अ सोर्स चार्ज चार्ज कैपिटल एंड टेस्ट इज इज गोइंग टू मूव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज स्कीप्ड एट द इन्फिनिटी इनिशियली है ना ये आप देखो कोई भी डायग्राम बनाने के बाद दो चार लाइन आपको ऐड करना है फिर उसके बाद वर्क डन रिक्वायर्ड फिर ये पूरा करते जाइए पूरा करते जाइए सारे पॉइंट्स आपको लिखना है एग्जामिनर इतना खुश होगा ये वाला मत लिखना मन मंदिर एग्जामिनर विल बी वेरी वेरी हैप्पी चलिए बच्चा तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल अच्छा पोटेंशियल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम और फॉर सम न्यूमेरिकल एज वेल ठीक है अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बच्चा सी बी एस ई जो होती है ना वो आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है डिट्टो किताब का आ जाए किताब ढंग से पढ़े रहोगे सवाल आपसे बन जाएंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछती है तो उसी एप्लीकेशन बेस्ड में से एक हम अपने पिटारे में से आपको फॉर्मूला बताते हैं जैसे मान लीजिए कि कैपिटल क्यू चार्ज है और ये कैपिटल क्यू चार्ज अपने आसपास क्या निकाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है पक्की बात है हाँ सर अब मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है एक पॉइंट पी है बच्चा और एक पॉइंट क्यू है तो ये दोनों ही पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा ना वो इस फॉर्मूले से भी आता है क्यू टू पी डी आर e आप ध्यान से है में आते, आपके में नहीं, लेकिन यूज हो जाएगा तो आप इसे अच्छे से याद रखें आप ये पूछ सकते हो सर ये आया कैसे बहुत सिंपल है इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए बच्चा लोग ई e डॉट डी आर को अच्छा ई e का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर तो नीचे वाला आर ऊपर वाले आर के साथ कटेगा तो बचेगा क्या के क्यू बाई आर इंटीग्रेशन है तो एक बार केक्यू बाई आर वीपी का एक बार के क्यू बाई आर वी क्यू का दैट्स इट तो थोड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए या कुछ बहुत बेहतर सवालों के लिए ना फॉर्मुले को ट्विस्ट करा जाता है इससे ऊपर कुछ नहीं होगा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमेशा याद रखिए जिस पर निकालना है वो ऊपर रहेगा यहाँ पर साथ में माइनस आता है माइनस आने के पीछे का कारण हम अगेंस्ट काम कर रहे हैं एक्सटर्नली ठीक है तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन तो आप इसे नोट डाउन करके भी लिखते रहिएगा आप अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चा तो चैनल पर भी है लेक्चर्स फ्री में

पहला सवाल क्या बोलता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज तो यहाँ पर एक पॉइंट पी है ड्यू टू अ चार्ज फोर इंटू टेन एस टू माइनस सेवन यहाँ पर एक चार्ज समझ लीजिए ये आपका चार्ज हो गया है ना लोकेटेड एट नाइन सेंटीमीटर अवे तो ये इससे नौ सेंटीमीटर दूर है कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा v बराबर आप क्या लिखेंगे के क्यू आई आर के आपका कितना नाइन इंटू टेन पावर नाइन चार्ज कितना बच्चा फोर इंटू टेन एस टू माइनस सेवन और r कितना बचा नाइन सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब टेन एस टू माइनस टू कैलकुलेटर के सॉल्व करना है नौ से नौ कट गया ये देखिए माइनस दो ऊपर जाएगा तो माइनस पांच नौ में से पांच चला गया बच्चा तो कितना चार तो ये आपका आई थिंक फोर थाउजेंड वोल्टेज है नहीं फोर्टी थाउजेंड वोल्टेज है वी अगर मैं कैलकुलेशन गलत नहीं कर रहा हूं तो फिर से चेक कर लेता नाइन इंटू टेन टू नाइन चार्ज फोर इंटू टेन माइनस सेवन इज द सेंटीमीटर चला गया तो माइनस सात प्लस दो माइनस पांच नौ में से पांच गया तो चार यानी कि चार के बाद में कितने चार जीरो यानी जीरोज आपका पार्ट ए का आंसर है चलिए पार्ट बी देखिए ऐसे सवाल आपके बोर्ड्स में आ चुके हैं हेंस द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ टू इंटू टेन एस टू माइनस नाइन फ्रॉम इन टू द पॉइंट पी आप जरा समझिएगा यहाँ चार्ज क्यों था ये नाइन सेंटीमीटर दूर ये पॉइंट पर आपने वोल्टेज निकाल लिया कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है देखो बच्चा कितना आया चालीस हजार वोल्टेज फिर कहता है कि एक दो गुड़े दस की घात माइनस नो कुलम चार्ज को वर्गन बताओ कहां से ला रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी यानी बच्चा अगर ये चार्ज टू इन टू ट्यू नॉट कह देते हैं इसको टेन पावर माइनस नाइन कुलम इन्फिनिटी पर था तो इसका पोटेंशियल यहां पर कितना था जीरो है ठीक है और जब यो यहां पर आ गया तो पोटेंशियल ये रहा तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इन्फिनिटी टू पी वाया एक्सटर्नल आप लेके आ रहे हो कंजर्वेटिव होगा तो बोल देगा तब हम यहाँ माइनस कर देंगे किसको लेके आ रहे हैं क्यू नॉट वी एफ माइनस में वी आई यही है ना फॉर्मूला अब आप किताब देखोगे तो डायरेक्ट उन्होंने क्यू भी करा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप समझ चुके हो वी आई जीरो है बट ये तरीका होता है समझने का यहाँ वर्ड या यूज क्या करा है इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी पर वोल्टेज क्या है जीरो क्योंकि के क्यू बाई इन्फेनाइट होता है यूज दिस इक्वेशन ऑलवेज टू गेट द वैल्यू ऑफ वर्क कभी गलती नहीं होगी आपसे तो हो गया क्यू नॉट आपका कितना था टू इंटू टेन पावर माइनस में नाइन और वी एफ आपका कितना है फाइनल वोल्टेज यहां पर ला रहे हैं चालीस हजार तो चार गोटे दस की घाते चार तो चार दूनी आठ हो गया माइनस नौ और प्लस चार तो माइनस में पांच तो एट इन टू टेन एस टू माइनस फाइव जू इजर है पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा ये आप इसे कह दीजिए बाबा एस का सुपर इंपॉर्टेंट है ये आप पेपर उठा के देखोगे पिछले कई सालों के अंदर इसकी इज्जत इसकी वैल्यू पी ए वाई की उसमें बहुत बड़ी है आता ही आता है और किताब में इसको थोड़ा टफ करके बताया गया है मैं आपको किताब भी एक बार ओपन करके दिखाता हूँ चलिए बच्चा जरा देखिए एक बार पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके बनाया गया है कुछ ये डायग्राम है फिर यहाँ पर इन्होंने जीमेट्री का यूज़ करके कुछ ये किया है बट आई वुड से मैं पिछले दस सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चा इसके जगह पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल मैथड समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है ऐसे आपको बताने जाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा बट नो यूज़ देर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस इसको आप यूज़ ना करें तो भी चलेगा आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे ठीक है मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ लेकिन एक यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में इवन एम में काम आएगा मैं आपको वो समझाता हूँ यहाँ ज़रा ध्यान से आप देखिए ग्राफ दिया हुआ है ये है आपके जो एग्ज़ाम्पल है टू पॉइंट वन उसके ठीक ऊपर ये ग्राफ दिया है ये ग्राफ आपको बेसिकली कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है क्या कर रहा है मैं वो समझाता हूँ बड़ी सिंपल सी बात है काली वाली जो लाइन है वो थोड़ी नीचे तक गई है देखिए और एक नीली वाली लाइन है वो कुछ ऊपर तक ही कट रही है वो आपको यहाँ पर सिंपल ग्राफ बना के बता रहे हैं कि v वर्सेस r का ग्राफ ऐसा होगा क्योंकि v बराबर में बच्चा के क्यू बाई आर होता है तो प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर के हिसाब से चलता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही शेप है और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बराबर में केक्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना तो प्रपोशनल टू वन अपॉन में आर स्क्वायर के हिसाब से वैरी करता है कहने का मतलब ई e का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे तक गया है डिप गया है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा तेजी से कमी आती है अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक चार्ज है यहां से मैं पी पॉइंट पर हूँ यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा उसकी वैल्यू अगर दस होगी और अगर वोल्टेज निकालूंगा उसकी वैल्यू पाँच होगी तो जैसे ही पल मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घटेगा नौ तो ये जो होगा बच्चा वो फोर पॉइंट नाइन होगा बात समझे इसमें वेरिएशन एक का आया लेकिन इसमें वेरिएशन जीरो पॉइंट वन का आया बिकॉज प्रपोर्शनल टू वन अपन आर है आप देखिए अगर हम वन पॉइंट फाइव से टू पर जा रहे हैं तो जो मेरा वोल्टेज का लाइन है वो एक पर है ऑलमोस्ट एक पर थोड़ा उसे नीचे है लेकिन वही अगर मैं वन पॉइंट फाइव से टू पर जा रहा हूं तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जीरो पॉइंट पांच से भी नीचे है दिख रहे जीरो पॉइंट पांच से भी नीचे है तो बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन है लेकिन ये एमसीक्यू में काम आ सकता है वेरिएशन किस में कैसा हो सकता है ग्राफ आपको पूछ लिया तो एक एक चीज आपके एनसीआरटी का मैं छोड़ूंगा नहीं हर चीज आपको बताऊंगा जहां भी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस करेंगे चलिए तो अब मैं आपको सिंपल मैथड से समझाता हूँ ये पोटेंशियल टू डाइपोल कैसे निकालते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम तो आप डायग्राम बनाएंगे और इसको बढ़िया से लिखेंगे कैसे लिखेंगे कि एट इन द फिगर वी हैव अ डाइपोल एंड द चार्जेस आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस टू ए बराबर इस डाइपोल के एक्सिस से बच्चा यहां पर काफी ज्यादा डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी आया है ऐसा मानिए पी काफी ज्यादा डिस्टेंस पर ऐसा इमेजिन करिए जो कि यहाँ एंगल बना रहा है थीटा इस पी पॉइंट का माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है बच्चा इसको हम आर माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहां से जो डिस्टेंस है उसे हम आर प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन है वो तो हमारे हाथ में है आई रिपीट मैंने जो कुछ ही बोला वो आपको लिखना है तो हमेशा पहला मुद्दा क्या होना चाहिए डायग्राम आपका परफेक्ट होना चाहिए अगर पूरा मार्क्स लाना चाहते हो तो कितने मार्क्स का मिलेगा ये चैप्टर का क्वेश्चन ये कितने मार्क्स का होता है तीन मार्क्स में पहले डायग्राम उसके बाद खूबसूरती किसकी मेरी नहीं बच्चा खूबसूरती किसकी इस डायग्राम की यानी डायग्राम के बारे में आप लिखिए कैश ऑन द फिगर वी हैव अ डाइपोल एंड द चार्जेस आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस टू वेरी फार एट पॉइंट पी

प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको समझाया था जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो आप नंबर ऑफ चार्ज देखते हो उसी तरह से किसी भी डेरिवेशन या किसी भी न्यूमेरिकल में जब भी आप पोटेंशियल निकालो तो नंबर ऑफ चार्ज देखो यहां हमारे पास दो चार्ज है इसीलिए दो पोटेंशियल आएगा पी पॉइंट पर तो अब हम यहां लिखेंगे अब यहां से आपका रियल डेरिवेशन स्टार्ट होता है नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल तो एक होगा माइनस चार्ज की वजह से मैं वी माइनस लिख रहा हूँ और दूसरा होगा वी प्लस प्लस चार्ज की वजह से प्लस चार्ज वाले को पहले लिख दें तो ये आपका हो गया के क्यू बाई आर प्लस और फिर माइनस वाले के लिए के माइनस में अपॉन आर माइनस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं तो सुनेंगे मुझसे जब हम कल प्रीवियस क्लास प्रीवियस वीडियो की बात कर रहे थे चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां हमने एक चीज सीखा था कि जब भी हम के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाते हैं तो हम माइनस नहीं देखते माइनस को देख के उसका डायरेक्शन देखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्वांटिटी है तो उसको वैक्टरली एड करना पड़ता है बट पोटेंशियल वैक्टर क्वांटिटी नहीं है बट ये माइनस हो सकता है इसीलिए केक्यू बाई आर में जब अगर चार्ज आपका नेगेटिव है तो मुझे माइनस लेना पड़ा इन ऑफ पोटेंशियल इफ इट वॉज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन आई वुड हैव टेकन दिस माइनस एट ऑल मैं सिर्फ डायरेक्शन देखता और उसके हिसाब से यहाँ प्लस माइनस करता आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए हैं जो रेगुलर विद्यार्थी हैं जो पिछला वीडियो देखे हैं उनको समझ पड़ेगा जो पहली बार अभी देख रहे हैं उनको फिर से समझाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्वांटिटी है तो उसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो आप उसका डायरेक्शन देखते हो कि नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है पॉजिटिव की वजह से ऐसा है तो दोनों का डायरेक्शन सेम इसलिए आप यहाँ जोड़ते हो और यहाँ माइनस नहीं लेते आप लेकिन पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है स्केलर है लेकिन उसके चार्ज अगर माइनस है तो के क्यू बाई आर में हम उसको साइन के हिसाब से लिखेंगे If If the the charge charge is is plus, plus. we'll take it plus. If the charge is minus, we'll take it minus khatam baat acche se note kar से नोट कर लीजिएगा पहली बार देखने वाले बच्चे तो चलो अब dikh से hai दिख रहा है बच्चा se तो यहाँ से हमको hai क्या मिलता है यही कर लेते। तो common मिल जाता है बच्चा ये आपका हो गया R plus LCM भी ले लेते हैं R minus। बहुत simple मैथड से explain कर रहा हूँ और यह आपका है आर प्लस एल्सियम लिया हमने ठीक है तो आर माइनस इधर आ गया R प्लस इधर आ गया सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग आर माइनस माइनस आर प्लस है क्या जैसे यहाँ पर एक स्क्रीन है छोटी सी बात समझना यहाँ एक बंदा है सपोज शुक्ला जी जयशंकर शुक्ला जी और यहाँ पर है उनकी वाइफ शुक्लाइन जयशंकर जी ने इस पर्दे पर आने के लिए तीन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और शुक्लाइन ने यही डिस्टेंस सात किलोमीटर कवर किया मैं पूछूंगा शुक्ला शुक्लाइन ने शुक्ला जी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया आप बोलोगे सर चार किलोमीटर बट फिजिक्स इस चार किलोमीटर को निकालने के लिए एक रूल कहता है कि शुक्ला जी जो कि छोटे डिस्टेंस थे वहां से एक नाइन्टी डिग्री का लाइन खींच दो तो ये वाला तीन किलोमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक तीन है तो ये ऑब्वियसली कितना है चार किलोमीटर हाँ हमें पता है हमें सिंपल समझ में आ गया सात में से तीन घटा दिया चार लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे लाते हैं तो मैथ्स में एक 90 डिग्री का लाइन खींचा जाता है ये 90 डिग्री का लाइन खींचने से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हो जाता है वर्ड याद रखना एक वर्ड का यूज करूंगा मैं पाथ डिफरेंस ये आपको मिलेगा चैप्टर वी ऑप्टिक्स में बहुत डीप में नहीं जाते हैं सिंपल याद रखते हैं पाथ डिफरेंस का मतलब एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना तो यहां पर देखिए बच्चा लोग अगर मैं इस छोटे वाले डिस्टेंस जो कि दिख रहा है आर प्लस छोटा आर माइनस काफी बड़ा है मैं यहां पर एक 90 डिग्री का लाइन खींच दू कुछ इस तरह से ठीक है तो ये जैसे ही 90 डिग्री का लाइन हमने खींचा राइट तो ये जो है मुझे एक्स्ट्रा डिस्टेंस दे देता है पहले ये पूरा आर माइनस था और अब यहां से यहां तक ये हो गया आर माइनस माइनस में आर प्लस बिकॉज दिस इज आर प्लस एंड दिस वन इज आर प्लस आई टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग एंड भावना है कि सर डायग्राम थोड़ा सा लग रहा है ऐसा कि दोनों सेम नहीं है बट आप अच्छे से बनाइएगा तो आपको पता चलेगा ये आर प्लस है तो ये आर प्लस है ये पूरा आर माइनस है ये आर प्लस है तो बचा हुआ कितना आर माइनस माइनस में आर प्लस प्लस बच्चा ये पी पॉइंट इतना दूर लिया गया है कि ये लाइन ये लाइन सब एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि अगर पॉइंट भी बहुत दूर हो जाएगा तो ये सब ऐसे हो जाएंगे है ना काफी ज्यादा डिस्टेंस पर तो पैरेलल हो जाएंगे तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा अब हम यहां पर नाम ले लेते हैं ये ए ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी सो ट्रंगल ए बी सी में कॉस् थीटा तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा दिस साइड विच इज आर माइनस माइनस में आर प्लस अपन हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है दैट इज 2a इसीलिए r माइनस माइनस में r प्लस वुड बी 2a cos में थीटा क्लियर है हां जी सर चलो 2a cos थीटा हो गया अब हम इसी इक्वेशन 1 का यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो v बराबर में क्या है kq 2a cos थीटा बच्चा डिस्टेंस इतना दूर है कि अगर हम इसे सेम ले ले तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है ना तो आर माइनस और आर प्लस को एक डिस्टेंस मानो या ऐसा समझो कि पॉइंट पी बीच में आ गया तो पॉइंट पे बीच में आएगा तो आर माइनस आर प्लस दोनों सेम हो जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा अब ऐसा आने से आपको एक बेनिफिट मिल रहा है देखो बेनिफिट क्या मिल रहा है ये जो क्यू इन टू ए है चैप्टर वन में आपने पढ़ा था इसे हम टाइपोल मोमेंट कहते हैं सो इट इज गोइंग टू बी थीटा अपॉन में स्क्वायर क्लियर ना इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है किस फॉर्मेट में जरा देखिए ध्यान से क्योंकि यहां पर थीटा है तो आई कैन राइट के पी थीटा डॉट में के पी डॉट में आर कैप अपॉन में आर का स्क्वायर सर ये कहां से आ गया तो मेरी जान बच्चा पार्टी ढिचकियां पे पे गाड़ी चल रही है समझना ध्यान से ये गाड़ी इसको मिला देगी डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है कॉस् थीटा आता है एंड वॉट इज दैट आर कैप इट्स यूनिट वैक्टर क्या है यूनिट वैक्टर ये रहा पॉइंट पी का लोकेशन तो आपको चाहिए होगा ना तो वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड तो ये दोनों ही इक्वेशन बहुत खास हैं कई बार वेक्टर फॉर्म में कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है बोर्ड लेवल पर मैंने सवाल नहीं देखे बट बोर्ड लेवल पर आपके सीबीएसई बोर्ड पर यूपी बोर्ड पर बिहार बोर्ड पर इसके अच्छे केसेस पूछे जाते हैं जैसे केस नंबर वन ये एम में हो सकता है ठीक है जैसे कि थीटा इक्वल्स टू जीरो है थीटा जीरो कब होगा जब मेरा पॉइंट पी इसके एक्सेस पर आ जाए वेन द पॉइंट पी इज लाइंग ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल थीटा जीरो थीटा जीरो तो पी वी बराबर में क्या के पी बाई आर स्क्वायर क्यों ऐसा क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो तो कॉस जीरो वन फिर बी थीटा इज नाइन्टी डिग्री वी बराबर में जीरो क्यों बच्चा क्योंकि नाइन्टी डिग्री पर ये पॉइंट पी यहाँ आ जाएगा और नाइन्टी डिग्री पर कॉस नाइन्टी क्या होता है ज़ीरो सी की बात करते हैं एंटी पैरल सर ये एंटी पैरल एटले शूथ है जो बच्चा पार्टी गुजराती में हिंदी में बात करते ये पॉइंट भी इधर आ जाए डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है तो डाइपोल इज इन दिस वे एंड आपका जो पॉइंट है यहाँ है तो दोनों के बीच में एंगल एक हुआ और एक सौ अस्सी की वैल्यू कितनी होती है माइनस तो ये आपका आंसर होगा माइनस में के पी बाई आर का स्क्वायर सो so, हमारा ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक देखिए टेक्स्ट बुक में जो दिया है उसके बाद भी आपका आंसर वही आता है जो हम लेकर के आए पी कॉस थीटा पी डॉट में आर ठीक है बच्चा ये हो गया और वापस वही सारे अच्छे से पॉइंट हमने लिख लिया थीटा जीरो पर क्या होगा नेगेटिव पर क्या होगा तो बहुत अच्छे से मैंने आपको लिखा दिया अब चलिए आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज फिर सवाल भी आएगा ओके लेट्स एंटर इनटू द नेक्स्ट टू पॉइंट फाइव पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज अब अब यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है ये तो वही बात हो गई कि जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे चार्जेस हों तो फोर्स कैसे निकालते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक सिस्टम है उसमें एक चार्ज क्यू वन है दूसरा चार्ज क्यू टू है तीसरा चार्ज क्यू थ्री ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं और ये कोई पॉइंट है पी इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर वन है इसका डिस्टेंस ये आर टू है और इसका डिस्टेंस ये आर थ्री है तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस के पोटेंशियल के के सम बराबर होता है नॉट so आप सीखिए बच्चा यहाँ पर क्योंकि यहीं से आगे की कहानी स्टार्ट होगी तो ये आपका डॉट 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 यानी कि आगे हम बढ़ जाएंगे इस तरह से डॉट डॉट का मतलब जितने भी चार्जेस इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं चार्जेस इतने ज्यादा होंगे पोटेंशियल भी आपका उतना ज्यादा हो जाएगा तो किसी भी सिस्टम के अंदर अगर नंबर ऑफ चार्जेस दिए हैं तो आप हमारा बस खाली ये मुद्दा याद रखो आपसे कभी गलती नहीं होगी सो नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेंशियल ठीक है इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब इसका इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यह आपको पोटेंशियल निकालना है आपको ये ट्रिक याद रखनी चाहिए कि जितने सिस्टम में चार्जेस होंगे उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उतना ही बच्चा आपका क्या होगा पोटेंशियल होगा चलो आगे आते हैं अब सवाल नंबर टू आपके टेक्स्ट बुक का दो चार्जेस हैं आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर पार्ट एट वट पॉइंट ऑन द लाइन जोरिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनेटी टू बी जीरो ठीक है तो दो चार्ज हम बनाते हैं एक हो गया थ्री इंटू टेन पावर माइनस में एट कोलम और दूसरा है माइनस में टू इंटू टेन पावर में माइनस में एट कुलम बराबर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ध्यान दीजिएगा दोनों के बीच में सेपरेशन जो है बच्चा वो पंद्रह सेंटीमीटर है इस तरह से अब बोलता है दोनों को जोड़ने वाली लाइन के कहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है एक बात समझिए ये थ्री है ये माइनस टू है है ना पक्की बात है आप हमेशा ये कॉन्सेप्ट को फील करिए कि पोटेंशियल घट कहां रहा है माइनस टू के पास तीन के पास तो बढ़ रहा है मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो बढ़ रहा है और इधर जा रहा हूं तो घट रहा है इज इट क्लियर यस तो चांसेस पोटेंशियल के जीरो होने के कहां है तीन के पास में या माइनस दो के नजदीक में ऑब्वियसली माइनस दो के नजदीक में हाँ ये हो सकता है कि वो मेरा नेगेटिव पोटेंशियल यहां भी हो सकता है और वो नेगेटिव पोटेंशियल यहां भी हो सकता है क्योंकि माइनस दो के नजदीक में तो ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है तब तो हम करेंगे क्या हम दो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे आपकी किताब में एक ही वैल्यू दिया उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया बट मैं आपको उस चीज को ध्यान से देखना हम दो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे उनमें से एक डिस्टेंस मेरा नेगेटिव आ जाएगा जो डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस माइनस नहीं हो सकता है तो चलिए मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट पी है जो कि यहाँ से एक्स वन डिस्टेंस पर है और यहां हमारा पोटेंशियल जीरो है तो सपोज एट पॉइंट पी एट डिस्टेंस x1 पोटेंशियल इज ज़ीरो पोटेंशियल इज ज़ीरो ठीक है हमने ऐसा कह दिया हमने ऐसा मान लिया कि भैया यहाँ पर पोटेंशियल क्या है आपका जीरो है तो नेट पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं जितने चार्जेस होते हैं उतना हम ऐड करते हैं यहाँ दो चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हम ऐड करेंगे ये आपका जीरो हो गया अब पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर निकालेंगे और नेगेटिव की वजह से भी यहाँ निकालेंगे तो बच्चा पॉजिटिव की वजह से निकालेंगे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना फिफ्टीन माइनस एक्स सो के क्यू अपॉन फिफ्टीन माइनस में एक्स फिर माइनस में के क्यू अपॉन में एक्स ये माइनस का काय को आया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज चार्जेस की वैल्यू अलग है इसलिए हम क्यू वन क्यू टू कर देते हैं चलिए बच्चा तो के क्यू वन अपॉन फिफ्टीन माइनस में एक्स ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा के क्यू टू अपॉन में एक्स ऑलराइट right, बच्चा के से के कट चुका है क्यू वन में आपका टेन एस टू माइनस एट है और क्यू टू में जो है आपका माइनस एट है तो कट जाएगा सो थ्री अपॉन फिफ्टीन माइनस में एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन में एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्री एक्स थर्टी माइनस में टू एक्स तो एक्स बराबर में आपका कितना आया 6 सेंटीमीटर क्या ये पॉजिटिव है यस yes, सर तो इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा आप चेक करके देख लीजिए एक्स बराबर छः सेंटीमीटर यहां रखो पंद्रह में से छह गया नौ अब नाइन इंटू टेंस टू नाइन क्यू वन आपका थ्री इंटू टेंट डिवाइड बाई नाइन को चेक करना और के क्यू टू अपॉन एक्स एक्स आपका है रखना कट जाएगा आंसर जीरो आ जाएगा लेकिन जैसे ही मैं ये वाले पॉइंट को चेक करता हूँ कि वी क्यू इज इक्वल टू जीरो सो एट दैट टाइम अगेन के क्यू वन अपॉन फिफ्टीन प्लस एक्स माइनस के क्यू टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो बच्चा लोग KQ1 अच्छा, से से X, X के क्यू वन अपॉन में अच्छा क्यों आप चेक करिए बच्चा एक्स आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल दिस वन इज पॉसिबल सो आंसर इज सिक्स सेंटीमीटर तो अब ये न्यूमेरिकल आप अपने दिमाग में फिट रखो क्योंकि ऐसे बहुत बार हमने देखा है ऐसे सवाल पूछे गए हैं जहां पर हमें ऐसे पॉइंट निकालने के लिए कहा जाता है कि पोटेंशियल आपका क्या हो जीरो हो या इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो तो आप पॉइंट कंसिडर करिए मान लीजिए और एक्स निकालिए अगर पॉजिटिव आ जाए तो आपका आंसर सही है अदरवाइज रॉन्ग है यहां पर 45 आ रहा है दो अलग अलग इसको चेक कर लेते हैं रुकिए बच्चा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर निकल करके आएगी ध्यान दीजिएगा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एक और पॉसिबिलिटीज आप निकाल सकते हो टेक्स्ट बुक में एक और पॉसिबिलिटी लिया और ये होगा पोटेंशियल में ऐसे केसेस रहेंगे क्योंकि पॉजिटिव भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है तो ये चीज होता है इन्होंने क्या करा है अभी इस साल के टेक्स्ट बुक में ऐसा है इससे पहले वाले में माइनस एक आंसर सिक्स और दूसरा जो है नेगेटिव करके छोड़ दिया गया था लेकिन आपको एक और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं इन्होंने एक यहां वाले पॉइंट पर भी लेकर के देखा है कि ये डिस्टेंस एक्स हो गया और ये डिस्टेंस आपका फिफ्टीन माइनस एक्स हो गया एक बार यहाँ पर आप चेक करके रखेंगे तो भी आपका एक्स पॉजिटिव आएगा तो देखिए जितने बार आपका एक्स पॉजिटिव आए ना वो हर बार आपका आंसर सही है तो एक बार आप ये वाला भी सॉल्व कर लीजिए जो कि यहाँ पर दिख भी रहा है तो आपका एक और आंसर निकल करके आ जाता है ठीक है तो थ्री बाई एक्स माइनस टू बाई फिफ़्टीन माइनस में एक्स और देखो एक्स माइनस में फिफ्टीन है तो अलग अलग वैल्यू यहाँ पर निकाले गए हैं एक बार इनका नाइन सेंटीमीटर भी आंसर आ रहा है फोर्टी सेंटीमीटर भी है और जो हम लोगों ने किया है वो भी हमारा एक आंसर निकल के आ ही रहा है तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और गलत नहीं है ये सही है ठीक है बच्चों तो इसमें कंफ्यूज ना हुए आ, एक और पॉसिबिलिटीज जैसे जैसे मैं इसमें डीप डाई कर रहा हूँ एक और पॉसिबिलिटीज निकल सकती है अगर ये देखिए माइनस ऑलरेडी दिया है है ना लाइन जॉइनिंग की बात कर रहा है तो यू कैन टेक दिस माइनस टू एट दिस साइड एंड थ्री इंटू टेनस टू माइनस एट एट दिस साइड तो भी आप आंसर निकालेंगे तो भी सिक्स सेंटीमीटर आ रहा है तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज आती है आप इसकी चिंता ना करें आपको क्या करना है एक डिस्टेंस में लेना है और अक्सर माइनस एक्स के आसपास में ही आपकी पॉसिबिलिटीज रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेंगे वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर भी आप ऐसे पॉइंट्स देखेंगे चलिए बाकी कोई भी दिक्कत हो तो बच्चा तो कॉमेंट जरूर करना नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल टू और काफ़ी प्यारा ये एक्जाम्पल है इसको सॉल्व करते हैं देखिए थोड़ा सा ये इमेज ब्लर हो रहा है तो मैं आपके टेक्स्ट बुक के मुद्दे को ओपन करता हूँ आइए बच्चा टेक्स्ट बुक में चलते हैं And here we go. ये रहा सवाल आई होप ये थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा है इसे थोड़ा बड़ा कर लेता है ठीक है चलो नाउ इट्स फाइन तो सवाल है फिगर टू पॉइंट एट ए एंड बी शोज द फील्ड लाइंस बहुत अच्छा सवाल है बच्चा फील्ड लाइंस यहाँ पर दिए हुए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है एज यू नो के पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड छोड़ता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड रखता है आपसे पहला सवाल बोलता है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस में वी क्यू एंड देन वी माइनस में वी ए आइए बच्चा अब मैं वापस अपने स्लाइड पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये आपका पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ठीक है यहाँ पॉइंट पी है और ये आपका पॉइंट क्यू है ये आपका नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है इस तरह से और यहां पॉइंट ए है और यहां आपका पॉइंट बी है देखना बहुत ध्यान से सवाल पहला सवाल क्या बोलता है गिव द द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड में पहला सवाल का आंसर करते हैं कलर चेंज ठीक है ए पॉइंट आपको बोलता है कि वीपी माइनस में वी क्यू का साइन क्या होगा जरा देखिए पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ये हम कैसे कह सकते हैं चलो इसको प्रूव भी कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है तो माइनस के नजदीक कौन है क्यू और प्लस के, के नजदीक कौन है पी तो जो माइनस की तरफ है ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल कम होगा अभी एक सवाल देखे तो उसके अंदर भी यही था तो हमेशा ये चीज याद रख लीजिए कि इन द डायरेक्शन लिख भी लोगे आप तो आपको काम आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है यानी कि Q का पोटेंशियल कम है P का पोटेंशियल ज्यादा है तो ज्यादा में से कम को घटाओगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो इसका आंसर हो गया पॉजिटिव अब वी वी माइनस वी ए की बात करते हैं वी बी माइनस में वी ए ए पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम है ये ज्यादा है तो वी वी माइनस वी ए भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा तो दोनों का आंसर क्या आया पॉजिटिव आया क्यों आया फिर से देख लीजिए वी पी माइनस वी क्यों क्यों कम है पी ज्यादा है इसलिए पॉजिटिव फिर है बीवी माइनस बी ए डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है एक हमें बी जाता है तो इसका आंसर ये हो गया बी पॉइंट पर आते हैं नाउ गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मतलब वर्क डन ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी ए एंड बी तो बच्चा क्यू और पी के बीच में निकालना है बी पॉइंट पर आते हैं वर्क डन जब तक हमें कुछ बोला नहीं है तो हम एक्सटर्नल एजेंसी वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस क्यू और किसकी किसके बीच का बोलता है क्यू एंड पी का तो वी क्यू माइनस में पी समझना बहुत ध्यान से अब जो आपका वी क्यू माइनस पी का आंसर है बच्चा वो तो आपका नेगेटिव है क्योंकि वीपी माइनस वी क्यू पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव दूसरा बोलता है ए एंड बी का तो ए एंड बी का तो वी ए माइनस में वी बी नेगेटिव चार्ज को ले जा रहे हो अब जरा देखिए वी ए माइनस वी बी करते हैं तो वी बी माइनस में वी ए क्या था पॉजिटिव लेकिन वी ए माइनस वी बी क्या है नेगेटिव तो ये अभी भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा आई बात अच्छे से समझ में हाँ इसे कई सारे टेक्स्ट बुक में ऐसा भी घुमा करके कई सारे जो एनसीआरटी के सोल्यूशन होते हैं उसमें उन्होंने क्यू एंड पी में ऐसा ले लेते हैं वी पी माइनस वी क्यू तो यही आंसर आपका नेगेटिव हो जाएगा इसे ले लेंगे v, B में इसी डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो ए एंड बी बोल रहे हो तो मैं वी ए माइनस बी बी कर रहा हूं कई लोग इसे ऐसे बोलते हैं फ्रॉम ए टू बी तो फाइनल माइनस इनिशियल वर्ड्स मैटर्स चलिए नंबर सी गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड यानी कंजर्वेटिव इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी तीसरा पॉइंट अब आपके कंजर्वेटिव की वजह से बोल रहा है बच्चा तो ऑलरेडी माइनस पॉजिटिव चार्ज है कहां से कहां तक फ्रॉम Q टू P यानी अब देखिए एकदम प्यारी बात Q टू P यानी कि वीपी माइनस वी क्यू फाइनल ये इनिशियल ये तो वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव यानी आंसर आएगा नेगेटिव डी पॉइंट गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंसी साफ साफ बोल रहा है एक्सटर्नल एजेंसी

ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव है ना इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये ई e पॉइंट पर आते हैं थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं अब ई पॉइंट पर आता है डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए अगर हम बी से ए पर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ नेगेटिव चार्ज तो बच्चा नेगेटिव नेगेटिव के पास जा रहा है तो वो रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इसीलिए हम कहेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो आपका आंसर क्या आएगा लास्ट वाले का डिक्रीजेस ठीक तो अच्छा और डायग्राम बनाने के लिए आता है बहुत मजा आएगा बहुत ध्यान से सुनना। विद फिजिक्स इक्वी पोटेंशियल सर्फेस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल वेर पोटेंशियल रिमेंस सेम एक ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है बच्चा लोग सेम रहता है उसे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है ठीक है तो इस पॉजिटिव चार्ज से मैं एक डिस्टेंस पर जाऊं जैसे मान लीजिए ये एक डिस्टेंस पर गया ठीक है फिर ये दूसरा बनाया ध्यान से देखिएगा अब मान लीजिए कि यहां से ये जो डिस्टेंस आर है वो एंट सबके लिए सेम होगा एस पर द फॉर्मूला के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर ए बी सेम है तो आप देख सकते हैं वी ए बराबर में वी बी बराबर में वी सी है लेकिन अगर मैं यहां जाऊं तो ये डिस्टेंस थोड़ा चेंज हुआ अब P पॉइंट Q पॉइंट और R पॉइंट के पोटेंशियल आपस में तो सेम है वी पी वी क्यू वी आर ये आपस में तो सेम है लेकिन पहले वाले की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी और दूसरे वाले की छोटी होगी क्योंकि बच्चा हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारा पोटेंशियल घटेगा तो ए पॉइंट पहले है इसीलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है फिर ये पी पॉइंट क्यू पॉइंट बाद में है इसीलिए इसका पोटेंशियल क्या है कम है तो ये पहली सबसे खास प्रॉपर्टी हो गई अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं ये मेरा क्या हो गया इक्वीपोटेंशियल सर्फिस ठीक है तो अब जरा ध्यान से देखिए क्या किसी भी इक्वीपोटेंशियल सर्फिस पर अगर मुझे चार्ज को मूव कराना है सपोज क्यू नॉट चार्ज है ऑन इक्वी पोटेंशियल सर्फिस दैट इज स्म क्यू तो मैं घुमाऊं तो मेरे को कुछ काम करना पड़ेगा आंसर है नहीं सर आंसर है जीरो क्यों ऐसा बच्चा लोग क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है ना सो देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस सो वीपी भी उतना ही है जितना आपका वी क्यू है तो वी पी वी क्यू दोनों जीरो हो जाएंगे और आपका जीरो वर्क डन हो जाएगा तो so, किसी भी इक्वी पोटेंशियल सर्फिस पर अगर हम चार्ज को मूव कराना चाहते हैं सो देर विल बी नो वर्क डन एट ऑल कोई भी किसी भी तरह का काम नहीं करना पड़ता डन जीरो हो जाता है तीसरा सबसे खास बात बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ये हमेशा सर्फेस के क्या रहेगा परपेंडिकुलर रहेगा ये बिल्कुल भी चेंज होने वाले में से नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर्फेस के क्या होगा

क्योंकि प्लस और माइनस साथ साथ में है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा डेंस होगा यहाँ पर लेकिन जैसे ही हम बाहर का डिपार्टमेंट सोचते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी पावरफुल नहीं होगी बाहर की तरफ है ना माइनस में तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चांसेस कहाँ है प्लस और माइनस के बीच में तो बच्चा अभी आप एक फॉर्मूला देखे थे एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने कॉम्पिटिशन वाला बताया था कि वीपी माइनस में वी क्यू इज इक्वल टू माइनस में ई e डॉट में डी आर इसे अगर मैं तोड़ू इंटीग्रेशन को भी तोड़ दूँ तो आपको नहीं लगता ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर है अभी आगे आएगा अभी रिलेशन बिटवीन ए एंड वी चिंता ना करें तो ये इक्वेशन आपको क्या कहता है ये इक्वेशन आपको ये कहता है कि भैया ई e बराबर में माइनस में डेल्टा वी बाय डेल्टा में आर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा जब उनके बीच का गैप कम होगा डेल्टा आर कम होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा जब उनका डेल्टा बढ़ेगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो उनके बीच की स्पेसिंग क्या होगी कम होगी तो उनके बीच की स्पेसिंग कम होगी इसका मतलब है कि ऐसा डायग्राम बनेगा ये हो गए दिस इज पोटेंशियल सर्फेस बाई द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है स्पेसिंग कम होगी ऐसा डायग्राम कारण के साथ बच्चा ऐसा क्यों हुआ ठीक है मकड़ी का जाला जैसा नंबर पांच अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हैं तो कैसा डायग्राम बनेगा प्लस क्यू और प्लस क्यू नाउ द फील्ड लाइंस विल रिपेल ईच अदर दिस विल एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ रिपल्सिव फोर्स समझ गए बच्चा क्यों रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी क्योंकि दोनों ही क्या है प्लस है तो अगर दोनों ही रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगी तो अब आप देख सकते हैं ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा कहाँ बाहर तो अगर यहाँ कम है तो स्पेसिंग यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा ठीक इसका उल्टा ये इस तरह से समझ गए अब आप तो आप किताब को देखेंगे तो परेशान नहीं होंगे मैं किताब में दिखाऊंगा भी जहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन ऐसे डायग्राम्स हैं एक और ऐसा आता है जैसे ये सवाल आपको बोल ले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उसका बताओ डाइप इक्वीपोटेंशियल सर्फेस कैसा होगा तो कुछ नहीं सबसे पहले आप इक्वीपोटेंशियल सर्फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चुन लीजिए तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक्स डायरेक्शन में देखना ध्यान से दिस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड वाई आई एम टेकिंग

तो ये हमारे हो गए इक्वीपोटेंशल सर्फिस अच्छा एक और चीज़ आप नोट करिएगा सी बी एस ई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है तो अभी आप देखेंगे कि इनके इनके बीच में स्पेस इक्वल है ऊपर से अगर ये x है तो हम कह सकते हैं ये y और ये z तो इक्विपोटेंशल सर्फिस वाई जेड में बनेगा इनके बीच में स्पेसिंग भी सेम है लेकिन अगर मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था तो स्पेसिंग ज़्यादा होगा तो यहाँ इसको थोड़ा दूर बनाएंगे इसको और दूर बनाएंगे एज पर दिस फॉर्मूला अभी तो क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना और ये एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहे हैं तो सबके बीच में गैपिंग स्पेस uh, था ये वाले डायग्राम में देखिए गैपिंग इक्वल है अगर यही ऐसा समझ लीजिए साइड में माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा है तो सबके बीच में स्पेसिंग एक ही है न इलेक्ट्रिक फील्ड इन अंदर की तरफ ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेकिन अगर हम यहां देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है है कुछ इस तरह से ना ये आपका हो गया पॉजिटिव की वजह से ये प्लस प्लस माइनस माइनस की वजह से माइनस माइनस में अंदर की तरफ आएगा बट फिर भी रिपल करेगा दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर यही नॉन यूनिफॉर्म होता और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस होता तो मैं इसको बढ़ा देता इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस होता तो मैं यहाँ गैप को घटाते चला जाता दिस इज ऑल अबाउट एक ही पोटेंशियल सर्फिस देखिए आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं ये जो जस्ट अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव फिर ये आपका एक ही पोटेंशियल सर्फिस का डायग्राम ये कुछ इस तरह से प्लस माइनस है तो ऐसा प्लस प्लस है तो कुछ इस तरह से ठीक है चलो अब आगे पढ़ते हैं बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल चलिए बच्चा अच्छा आइए अब आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड हम अगले स्लाइड पर चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर सिस्टम ऑफ द चार्जेस ई का हो गया बाबू टू पॉइंट सेवन टू पॉइंट सिक्स या टू पॉइंट सेवन अच्छा इसी के साथ अटैच्ड है ओके नो प्रॉब्लम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड वी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन अभी हमने इक्व पोटेंशियल सर्फेस देखा वो इसी से रिलेटेड ही था तो अब उस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम समझते हैं और अच्छे से समझते हैं हमने दो एक, एक इक्वेशन है स्टार्टिंग में आपको बताया कंपटीशन में काम आता है और कई सारे सवालों को भी सॉल्व करेगा अभी आपके टेक्स्ट बुक में तो वी पी माइनस वी क्यू अगर मैंने लिखा है बच्चा तो इसका मतलब है क्यू से लेकर के पी ई डॉट में डी आर ठीक है ना लेकिन ये जो इक्वेशन है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पी और पी क्यू के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो तब के लिए है अगर मान लो P और क्यू बहुत पास पास में है जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें पहले पी यहाँ था क्यू यहाँ था इनके बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस था दस वोल्टेज था लेकिन P और क्यू में एकदम पास में ले लूँ एकदम छोटा सा डिस्टेंस ये पी और फिर ये क्यू तो मेरा दस वोल्टेज भी ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो समथिंग हो जाएगा सो so, फिजिक्स में या मैथ्स में ऐसी जो चीज़ें होती है जो बहुत स्मॉल हो जाती है उसको हम डी वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका डी वी हो गया इंटीग्रेशन भी हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा ई डॉट में डी आर फिर वापस डी से आप जाओगे वी पे तो आप इंटीग्रेशन करोगे नॉर्मल मैथ्स तो अभी देखिए यहां पर ये यह आपका डी और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स दिशा में है तो आप इस डी को लिख सकते हो डीएक्स आई कैप यानी कुल मिलाकर के ये आपका ई एक्स आई कैप आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी वन तो जो आपका ई एक्स हुआ वो हो गया माइनस में डी वी अपन में डीएक्स दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इसी तरह से बच्चा हम ई वाई लिख सकते हैं माइनस में डी वी अपॉइन में डी वाई और इसी तरह से प्यारे बाबू बच्चा पार्टी हम लिख सकते हैं ई जेड इज इक्वल टू तो माइनस में डी वी ऑफ डी जेड यानी अगर हमें वोल्टेज दिया हुआ है हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक्स दिशा का निकाल सकते हैं वाई दिशा का निकाल सकते हैं जेड दिशा का निकाल सकते हैं एक एग्जाम्पल कर लें तो हमें अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि इनके कैसे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट बोर्ड्स में कई बार पूछे गए हैं जैसे वोल्टेज दिया है टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स है आपसे पूछ रहा है बच्चा एट वन कॉमा माइनस वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो ई फाइंड आउट करो तो देखिए अब यहां पर आपको वोल्टेज का इक्वेशन दे रखा है ये एक्स है ये वाई है बिकॉज इट्स अ कोऑर्डिनेट सो बेसिकली इट्स एक्स कॉमा वाई तो अब सबसे पहले मैं ई e एक्स निकालूंगा ई e एक्स कैसे निकालूंगा माइनस डी वी बाई डी एक्स तो हम इसका x किस रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आप पहले देखिए x कहाँ है यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है x की पावर फॉरवर्ड करेंगे पावर में से घटाएंगे टू माइनस वन वन हो गया तो फोर एक्स वाई प्लस में बच्चा लोग यहाँ पर अगर आप तोड़ेंगे तो टू एक्स वाई एंड देन जेड जेड तो आपका कुछ है ही नहीं जेड आपका जीरो है तो ये पूरा स्टेप ही ज़ीरो हो गया आगे साइन माइनस चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस माइनस तो फोर x की वैल्यू वन है y की वैल्यू माइनस वन है ये तो आपका जीरो हो गया माइनस माइनस प्लस फोर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन आया इसी तरह से हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन y डायरेक्शन विच इज माइनस में डीवी अपॉन में डी वाई बच्चा लोग ठीक है ना तो माइनस डी वी बाई डी वाई करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे देखिए y यहां पर है उसकी कोई पावर है नहीं तो y का डिफरेंशिएशन वन यहाँ भी y का डिफरेंशिएशन वन तो ये आपका हो गया प्लस में एक्स स्क्ड जैसा कि आप जान रहे हैं जेड आपके क्वेश्चन में है ही नहीं कोऑर्डिनेट में तो ये आपका जीरो बट आगे वाला वोल्ट so पर मीटर सो दिस इज ऑल अबाउट बट सवाल देखिए ध्यान से उन्होंने आपसे ई e पूछा है तो ई e कैसे निकालोगे आप इट इज अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस में ईवाई का स्क्वायर इट्स अ मैग्नीट्यूड सो चार का सोलह हो गया दो आप? का, so का, का आपका चार हो गया दिस इज गोइंग टू बी अंडरटी वोल्टेज पर मीटर तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर ऐसे सवाल आपके रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकफिन पोटेंशियल से पूछे जाते हैं चलिए आइए आगे।, आगे चलते हैं आप समझेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ द चार्जेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यह टेक्स्ट बुक में दिया है टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड बहुत गलत तरीके से लोग इसे पढ़ा भी देते हैं बट यू आर एट द राइट प्लेस पेज नंबर फिफ्टी पर है बहुत ध्यान से सुनोगे बच्चा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं आपको एकदम मक्खन की तरह से एक्सप्लेन करूंगा दैट यू विल बिन लव आपको ऐसे सारे सवाल भी बनने लग जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज समझते हैं सबसे पहले अभी शुरुआत में हमने एक फॉर्मुला देखा W इन्फिटी से लेकर के P वॉज दिस काइंड ऑफ इक्वेशन के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में R था फिर माइनस में के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू धोखा दे रहा है डिजिटल बोर्ड हमें के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई में इन्फिनिटी था फिर मैंने कहा था बच्चा लोग कि ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल यानी पोटेंशियल एनर्जी में आने वाला चेंज ही आपका क्या है वर्क डन है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया कुछ भी तो यही रहा है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम वर्ड को हटा दूं तो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मुझे पता है ऐसे निकालते हैं के क्यू एन क्यू टू बाई आर से बट थोड़ा और डिटेल में समझते हैं पी ई ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज एक बहुत मस्त एग्जाम्पल देता हूँ ध्यान से सुनना फिर किताब में क्या एक्सप्लेन करा है और मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं दोनों को मैच करेगा आपको समझ में आ गया जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में एक सिस्टम है Q1, Q2 और Q3 ठीक है बच्चा इस केस के बीच का डिस्टेंस पता है इस केस के बीच का डिस्टेंस पता है सपोज डिस्टेंस R13 है ये डिस्टेंस R23 है ये डिस्टेंस आपका R21 है ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो पेयर्स ऑफ चार्जेस के बराबर होता है पेयर्स ऑफ चार्जेस यानी जितने भी चार्जेस के जोड़ियां बन रही हैं उनके बराबर ही होता है तो नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी कितनी जोड़ियां यहां पर एक तो ये जोड़ी है एक तो ये जोड़ी है एक तो ये पेयर्स है तो आप लिखोगे यू वन थ्री

आप ये जान लीजिए कि उसमें कितने आवेश के पेयर्स हैं कितने चार्जेस के पेयर्स हैं तीन पेयर्स हैं अब जरा इसका आंसर कमेंट में करके बताओ कि एक स्क्वायर दिया गया है Q1, Q2, Q3, Q4 इसके बीच का डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस इसके बीच का डिस्टेंस हमें पता है तो मुझे इससे रिलेटेड कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिलेंगे वो बताओ और नंबर ऑफ पेयर्स जानने का एक शॉर्टकट बताता हूँ कई लोग यहाँ बोलेंगे सर चार पेयर्स हैं बट गलत आंसर है कमेंट कर दिया आपने नहीं किया तो कर दिया जल्दी से यहाँ टोटल सिक्स पेयर्स हैं आप ये एक जोड़ी देख रहे हो ये एक जोड़ी देख रहे हो ये एक देख रहे हो ये एक देख रहे हो फिर ये भी तो है डायगनल में और ये भी तो है डायगनल में तो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का तरीका होता है एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं चार तो चार इंटू चार माइनस एक यानी तीन चार तेई बारह बटे दो यानी छः तो छः पेयर्स बनेंगे यहां कितने हैं तीन तो तीन इंटू तीन माइनस एक यानी दो दो से दो तीन तो देखो ऊपर तीन ही आपका आंसर है क्लियर है ना ठीक है बट इसी चीज को आपके टेक्स्ट बुक में अंदर क्या एक्सप्लेन किया है मैं वो भी वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूं और वो बड़ा मस्त फिजिक्स है इसको एक बार समझ लेने के बाद में अगर भूल जाओ तो चलेगा फिर लास्ट में ये ट्रिक याद रखना बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड यू कैन गेट द आंसर्स वेरी इजिली एंड क्विकली बिकॉज एग्जाम में नो वन इज गोइंग टू आस की टेक्स्ट बुक में जैसा समझा वैसे करना इसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ठीक है अभी एक न्यूमेरिकल भी आप देखोगे टेक्स्ट बुक में इसे कैसे एक्सप्लेन किया है कि अगर ये सिस्टम बनाना है चार्जेस का तो पहले एक चार्ज आया होगा Q1, फिर दूसरा चार्ज आया होगा फिर Q3 तीसरा चार्ज आया होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे ये ब्रह्मांड में पृथ्वी एक सिस्टम है लेकिन इस पृथ्वी पर पहले एक पुरुष एक महिला आए होंगे फिर बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया फिर धीरे धीरे सब कुछ बढ़ता चला गया फिर सब अलग अलग जाति धर्म के लोग आ गए हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं कोई कहता है मुस्लिम है सिखाई है सिखाई बोला सॉरी सिख हैं ईसाई हैं माफी चाहेंगे तो ऐसे लोग फैलते चले गए तो पहले कोई आया होगा सोचिए जो जो व्यक्ति पहले पृथ्वी पर आया होगा उसका किसी के साथ कोई झगड़ा ही नहीं रहा होगा कितनी प्यारी सी बात है क्योंकि दूसरे कोई लोग हैं ही नहीं आरगेडिंग माई पॉइंट उसी तरह से अगर सबसे पहले एक चार्ज आया होगा क्यू वन तो वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है ये ब्रह्मांड में पहले आया अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा जीरो क्योंकि इंफिनिटी से मैं चार्ज को लेकर के आऊंगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पहले से था सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग पार्ट लेकिन यहां कोई है ही नहीं कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो मैं आसानी से लेके आ सकता हूं मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा तो क्यूवन को लाने में जो मुझे वर्क डन लगा वो मेरा जीरो है लेकिन अब मान लीजिए क्यू वन आ चुका है ठीक तो अब हम लेके आते हैं क्यू टू को इनके बीच का डिस्टेंस है आर वन टू अब जरा सोचिए जब मैं क्यू टू को लेकर के आऊंगा कहां से इन्फिनिटी से यहां पर तो अब मुझे काम करना पड़ेगा और वो जो मेरा कार्य होगा बच्चा इन्फिनिटी से, आ, सेकेंड पॉइंट पर वह होगा Q2 टू इन टू इनस में वी आई क्या फिजिक्स है यार क्या पावरफुल फिजिक्स है अगर आप विजुलाइज कर जाओगे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मजा आ जाएगा वट इज वी आई इन्फिनिटी पर होगा कहीं नहीं होगा तो शुरू में इंफिनिटी होता है तो ये तो आपका जीरो है और फाइनल वोल्टेज सोच के देख बेटा यहां पर फाइनल वोल्टेज है मतलब ये यह यहां पर है तो इस जगह पर इसकी वजह से वोल्टेज कितना यानी पोटेंशियल कितना अपॉन ऑन आर वन टू नहीं आया फिर से देखो अगर ये नहीं होता क्यू वन तो यहाँ पर तो मेरे को सीधा सीधा जीरो ही लिखना पड़ता लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट इज़ लाइक रॉकी भाई और ये गरुणा दो लोग आ गए अब तीसरा जरा समझो Q3, अब तीसरा बंदा है Q3, Q3 आया यहाँ पे ये भी कहाँ से आया होगा इन्फिनिटी से आया होगा तो वापस मुझे यहाँ पर इसको काम करना पड़ेगा डब्लू के नाम से दे देता हूँ इन्फिनिटी टू थ्री और ये आपका हो गया Q3 को लेके आ रहा हूँ फाइनल वोल्टेज माइनस में इनिशियल वोल्टेज चल बच्चा इनिशियल वोल्टेज इन्फिनिटी पर है तो जीरो जीरो इंटू वी एफ क्या होगा यस yes. अब इस जगह पर जो वोल्टेज होगा बच्चा याद करिए मेरा वो पॉइंट वोल्टेज कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ चार्जेस से तो ये भी यहाँ वोल्टेज दे रहा होगा और ये भी यहाँ वोल्टेज दे रहा होगा वी भी दे रहा होगा वी भी दे रहा होगा इसीलिए फाइनल वोल्टेज में आप लिखेंगे क्यू वन अपॉन में आर वन थ्री ये को वन थ्री बोलो प्लस के आपका क्यू टू और फिर आप इसे क्या बोल देंगे बच्चा आर टू थ्री तो एक तो ये कार्य करना पड़ा अब जो हमारा नेटवर्क टन है इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए वो क्या है नेटवर्क टन पहले है जीरो बाद में है टू इन्फिनी से लेके आए थे और तीन पे ले आए थे इन्फिनिटी से तो देखो जीरो का तो कोई महत्व रहा नहीं अब टू इन्फिनिटी में आपका क्या है ये वाला है और थ्री इन्फिनिटी में आपका ये है तो जरा रख देते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वन टू प्लस के ओपन कर दीजिए ब्रैकेट क्यू वन पीले से लिख लिखू समझ पड़ेगा फिर क्यू थ्री अपॉन में आर वन थ्री प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन में आर टू थ्री मेरी जान बचा लो इसको आप मैच करो जो मेरा वाला ट्रिक था उसके साथ ये जो आपका आंसर है जो टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो इसके बराबर ही है है कि नहीं तो आपकी मर्जी आप चाहे ऐसे सोचे यहां से यहाँ तक या आप डायरेक्ट याद रखें कि नंबर ऑफ पेयर्स के बराबर पोटेंशियल एनर्जी होता है यू विल गेट द सेम आंसर ऑलवेज हमेशा तो बहुत सारे अगर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सॉरी सिस्टम के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं सो दिस वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्लियर मजा आया ठीक है बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक सवाल करते हैं बढ़िया सवाल है टू पॉइंट फोर फोर चार्जेस आर अरेज ये देखिए फोर चार्जेस आर अरे टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन से आप समझना मैं एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ फिर कहता है कॉर्नर्स पर हैं प्लस क्यू फिर यहां पर आई थिंक माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है और ये आपका माइनस क्यू है और ये क्या है स्क्वायर है तो उनके साइड दे रखे हैं डी फाइंड द वर्क डन इसमें दो सवाल पूछ रहा है पहला सवाल में कहता है क्या कहता है जरा देखते हैं ये फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट मतलब इस अरेंजमेंट को रखने में कितना आपको कार्य करना पड़ा और दूसरे में बोलता है अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर तो पहले ये नहीं है ठीक है अभी पहले ये लोगों का सोचते हैं तो ये लोग चार लोग हैं तो पहले का तो आंसर बहुत इजीली आप समझ सकते हो कितने पेयर्स हैं उस हिसाब से देख लीजिए तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज गोइंग टू बी बच्चा लोग लो के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अरे यार ये मुझे धोखा क्यों दे रहा है हर बार नए स्लाइड पर आना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं नए स्लाइड पर आ ही जाते हैं तो ये आपका स्क्वायर है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू शुक्ले अच्छा शुक्ला जी गए क्या प्लस माइनस प्लस एंड माइनस ठीक है प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस ओके चलो पहला पार्ट इसका तो पहला वाला पार्ट देखिए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नंबर ऑफ पेयर्स के बराबर है तो इनके इनके बीच में तो माइनस में के क्यू का स्क्वायर अपॉन में डी कुछ बच्चा याद रखिएगा बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ नोट जब भी आप पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो हमेशा उनके साइन के साथ ही आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है उसे चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ठीक है चलिए दूसरा इनके इनके बीच में भी माइनस ही आएगा तो माइनस में केक्यू का स्क्वायर अपॉन में डी फिर इनके इनके बीच में भी माइनस आएगा के क्यू का स्क्वायर बाई डी और इनके इनके बीच में भी वही आएगा अब इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट टू डी हो जाएगा यानी प्लस में के क्यू का स्क्वायर इस बार प्लस होगा बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव अपॉन में रूट टू एंड देन डी और अगर यहां देखने जाएंगे तो के माइनस माइनस प्लस तो क्यू का स्क्वायर अपॉन में रूट टू एंड देन डी क्लियर ना ठीक है तो रूट टू डी हो गया और राइट right. तो बस अब ये फोर टाइम्स है तो आपका आंसर हुआ माइनस में फोर के क्यू का स्क्वायर अपऑन में डी और ये आपका हो गया टू के क्यू का स्क्वायर अपॉन में रूट टू डी चलिए कॉमन यहां से क्या है तो, D, तो common, के क्यू स्क्वायर बाई डी तो के क्यू स्क्वायर बाई डी कॉमन अंदर क्या बच जाएगा माइनस फोर प्लस में टू बाई रूट टू ये आपका आंसर हो गया पार्ट ए का आंसर हो गया पार्ट बी में जैसा कि हम देख पाए थे यहाँ पर बोल रहा था पार्ट बी एक चार्ज क्यू नॉट है तो सेंटर दिस फोर हाँ मच वर्क तो दिस। अब आप यहाँ पर एक सेंटर पे चार्ज लेके आना चाहते हो सोच के देखो कहा से लेके आ रहे हो अगर नहीं बोला है तो इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो है ना तो इन्फिटी से आप इसको लेकर के आए हमेशा इसी तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करिए तो इन्फिनिटी से आप सेंटर सेंटर पे कोई भी पॉइंट का नाम दे दीजिए पी पी पॉइंट दे देता हूँ सेंटर पे तो यहाँ पर मैं लेके आऊँगा तो क्यू नॉट चार्ज को लेके आया तो वी एफ माइनस में वी आई अच्छा इन्फिनिटी पर जीरो था और वी एफ का मतलब क्या हुआ फाइनल पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल इस जगह पर कौन कौन देगा पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका बताया जितने चार्जेस हैं वो सब पोटेंशियल बनाएंगे ये बनाएगा ये पोटेंशियल बनाएगा ये पोटेंशियल बनाएगा ये और बच्चा लोग ये भी तो पोटेंशियल बनाएगा तो देखिए कट गया समझिए बच्चा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर कैंसिल तो मेरा फाइनल पोटेंशियल क्या है जीरो और इनिशियल भी क्या है जीरो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जीरो चलिए आई होप आपको कॉन्सेप्ट एकदम जोर से चमका है बच्चा अगर जोर से चमका है तो कमेंट बॉक्स के अंदर प्यार अपना जरूर लिख दीजिएगा लाइक like का बटन दबा दीजिएगा अब इसी चीज को आपके टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया ना ये वाला एक्सप्लेनेशन पहले एक एक स्टेप करके चार बार वर्क निकालेगा उसके बाद सबको ऐड करेगा वही आंसर आने वाला है देखिए टेक्स्ट बुक में स्टेप बाय स्टेप किया गया पहले एक को लेके आए फिर दोबारा निकाला फिर तीसरे बार निकाला फिर चौथे बार निकाला और फिर सबको ऐड किया गया है ये ऐड किया गया सारे वर्क टन को तो आंसर वही आएगा जो हमने निकाला है और फिर उस दूसरे वाले का जो आंसर है वो देखिए यहाँ पर बी पार्ट का है वो यहाँ पर लिखा है क्लियरली जीरो राइट चलो अब आगे बढ़ते हैं अब पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड बहुत ध्यान से देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका पेज नंबर फिफ्टी एट पर है ऑलरेडी अब आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज है अब हमें इस चार्ज का क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ये कंडीशन तभी वैलिड होती है वैलिडिटी फॉर द कंडीशन कंडीशन एक होता है अगर आप थोड़ा डीप में ऐसा सोचो तो डीप में सोचने पर एक बात पता चलती है कि एक्सटर्नल ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मे बी सम फ्रॉम सोर्स एंड ये डिफाइन होगा जब भी आपके कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो इट इज गोइंग टू बी डिफाइन मधुमक्खी परेशान कर रही है ठीक है कोई बात नहीं बैठ जाए भाई शांति से बैठ जाए मक्खियाँ भी आजकल परेशान करती हैं ठीक से होना ठीक है हाँ तो कंडीशन क्या है बच्चा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही और वो कहीं ना कहीं से आ रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज हो सकता है वहाँ से आ रहा है लेकिन ये कंडीशन ये है कि जहाँ से भी ये चार्ज से आ रहा होगा वो चार्ज बहुत हैवी होगा जन टू दिस स्मॉल क्यू जिस जिसको हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं एंड वी विश टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विच इज प्लेस्ड इन दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट जो अच्छा सोचते हैं वो ये पूछ सकते हैं दिमाग में उनके सवाल ये आ सकता है दिस क्वेश्चन शुड अराइज इन योर माइंड कि सर दिस विल दो ऑल्सो क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑलरेडी देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड सो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड रिपेल इच अदर आंसर इज येस बट बेटा होता क्या है कि ये कंडीशन तभी के लिए वैलिड है जब हम एक ऐसा सोर्स इमेजिन कर रहे हैं जो बहुत पावरफुल है यानी ऐसी बात समझिए कि सो कुलम चार्ज के सामने एक माइक्रो माइक्रोकुल चार्ज कौन पावरफुल हुआ माइक्रो सो माइक्रोकुलम चार्ज कहा हंड्रेड कुलम और कहा वन माइक्रो टेन एस टू माइनस सिक्स इट समथिंग लाइक like एक कुलम में एक इलेक्ट्रॉन रखा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना वन पॉइंट सिक्स इंटू टेंटीन तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना भी रहा होगा तो उसका इंपैक्ट कुछ भी नहीं होगा है ना तो ऐसी कंडीशन आप इमेजिन करिए तो हम यहां पर लिखते हैं सोर्स चार्ज ये सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है लेकिन ऐसे लिखते हैं कि बच्चा समझता नहीं है और पढ़ता भी नहीं है मच मच ग्रेटर देन द टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम ये पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान अब अगर मैं इस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो बिकॉज ऑफ दिस सोर्स कहीं से तो ये कुछ आ रहा होगा तो ये किसी आर जितने डिस्टेंस पर या कहीं से भी यहां पर कुछ पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा जैसे यहां पर सोर्स है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सोर्स है तो जाहिर सी बात है वो सोर्स होगा कौन कोई चार्ज होगा कैपिटल क्यू मान लो ठीक है इस कैपिटल क्यू से आर जितने डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल होगा और अगर हमें पोटेंशियल पता है तो उस जगह पर हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज वेरी इजी पोटेंशियल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वर्क डन और वो वर्डन बच्चा क्या होगा W इज इक्वल टू क्यू इन टू वी के बराबर समझ गए ये V बच्चा क्या हो सकता है तो हिस्स वीवल टू के कैपिटल Q बाई आर और दिस V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर चमका जोर से अगर आपको दिया हुआ है कि यहां कोई कैपिटल Q चार्ज था तो तो आप V ऐसे निकालोगे लेकिन अगर मान लो कोई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तब आप पोटेंशियल ऐसे निकालोगे लेकिन आपका फॉर्मूला तो यही लगेगा पोटेंशियल एनर्जी का यहां कुछ बच्चे सवाल ये पूछ सकते हैं कि सर यहां तो वी एफ माइनस वी आई होता था तो अब आप इतने बार कर चुके हो गए कि माइंड आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर वी आई नहीं दिया है तो इनिशियली इट इज जीरो बिकॉज योर चार्ज ये वाला चार्ज इनिशियली कहा होगा इन्फिनिटी पर होगा और इन्फिनिटी पर उसका पोटेंशियल क्या होगा जीरो तो सिर्फ भाषा चेंज की गई है और ये चीज आप पढ़ चुके हो अब इससे पहले के में भी आपने देखा न्यूमेरिकल में यही था एफ माइनस बी आई लेकिन भाषा चेंज कर दिया गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं किसी चार्ज का तो ये फॉर्मूला क्लियर है ठीक है लेकिन इसी में एक और कंडीशन आता है बच्चा टू पॉइंट फाइव पे आगे बढ़ने से पहले हम एक और समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज है पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज था लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अब हमें निकालना है चार्ज सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो अब ऐसा समझिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ठीक है यहां कोई सोर्स होगा हमें नहीं पता कोई सोर्स है और वो सोर्स की वैल्यू बहुत बड़ी है तो यहां पर एक चार्ज है q1 और बच्चा लोग यहां पर एक चार्ज है q2 किसी एक ओरिजिन से या किसी लोकेशन से इनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं r2 इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है r1 तो इसकी जो एनर्जी है और इसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी या इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालोगे हमने इसे पहले सीखा था कि हम पेयर्स देखते हैं और उस पेयर्स के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं इमेजिन करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो आपकी ये वाली एनर्जी तो रहेगी रहेगी पोटेंशियल एनर्जी के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर वन टू इनके बीच का डिस्टेंस ये आर वन टू लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो अब दो दो चार्जेस हैं तो इसके लिए हो जाएगा क्यू वन इंटू वी वन प्लस इसके लिए हो जाएगा क्यू टू इंटू वी टू वेरी इजी देखो बच्चा यही फिजिक्स का मजा है अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो यू विल बिन लव विद फिजिक्स फिर से मैं रिपीट करता हूँ ये दोनों गायब हो जाएंगे अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्योंकि हमने जो पहले पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी वो ये था सिस्टम ऑफ चार्जेस में पेयर्स देखा जाता है तो पेयर्स यही थे तो पोटेंशियल एनर्जी ये था लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनके इंडिविजुअल बिकॉज ऑफ दिस सोर्सेस बिकॉज ऑफ दिस सोर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हो जाएगा इसलिए नेट आपका जो होगा वो आपका इस फॉर्मूले से आएगा और बीवन की जगह हम क्या लिखेंगे K के क्यू वन बाई आर वन वि जगह हम क्या लिखेंगे के क्यू टू बाई आर टू इसी को बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझ लेते हैं किताब का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू पॉइंट फाइव आइए करते हैं इसका पहला पार्ट देखते हैं कहता है डिटरमाइन द इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंजिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस सेवन एंड माइनस टू तो हमारे पास में एक माइनस टू माइक्रोकुलम चार्ज है और एक सेवन माइक्रोकुलम चार्ज है एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अ वेरी वैलिड पॉइंट यानी ये शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसके ऊपर कहीं नहीं है प्लेस्ट एट माइनस नाइन तो ये आपका ऑरिजिन हुआ जीरो जीरो माइनस नाइन कॉमा जीरो है और ये आपका नाइन कामा जीरो है तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो आपका अठारह सेंटीमीटर है तो बच्चा पूछता है डिटरमाइन द दे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम ऑन अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं तो क्यू वन वी और क्यू टू वी जैसी कोई बात तो रहेगी नहीं सिर्फ आपका यही काम कर रहा है पेयर्स काम कर रहा है तो हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या लिखेंगे K, which is 9 into 10 power 9, Q1, which is 2 into 10 power minus 6, do not go with this. Potential energy हमेशा साइन के साथ लिखते हैं इसलिए हम minus आएगा into this, which is 7 into 10 power minus 6. गलती मत करिए Divide by distance. उनके बीच में कितना 18 सेंटीमीटर 10 पावर माइनस में 2. चलिए कट कर लेते हैं 9 से कट करेंगे तो 2 होगा ये 2 से कट किया तो ये 2 हो गया तो आपका कितना आंसर आ जाएगा चलो सेवन विथ साइन माइनस नाइन माइनस सिक्स थ्री या छह बारह में से क्या माइनस तो में बारह माइनस बारह प्लस दो माइनस एक यानी कि माइनस में जीरो पॉइंट सेवन जूल ये मेरा आंसर है ऑप्शन ए का पार्ट बी पर आता है द पार्ट बी पढ़िए हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम इच अदर हाँ समझ लो तो ये आपका चार्ज था ये आपका चार्ज था ये आपका नेगेटिव है ये पॉजिटिव है इसको मुझे इन्फेनेट पर लेके जाना है तो इन्फिनेट पर लेके जाने का मतलब उनकी एनर्जी जीरो हो गई अब उनकी एनर्जी को जीरो करना है तो कितना और एनर्जी देना पड़ेगा तो प्लस जीरो पॉइंट सेवन इट्स वेरी ईजी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस जीरो पॉइंट सेवन जितना आपका आंसर माइनस में है ना उतना प्लस कर दीजिए क्योंकि इन्फेनेट पर जाने पर उनकी एनर्जी जीरो है तो कितना कि जीरो हो जाए तो जीरो पॉइंट सेवन माइनस पहले से था सी वाला पोर्शन इंटरेस्टिंग होगा अब देखिए सी वाला पोर्शन सपोज दैट सेम सिस्टम आ गया सेम सिस्टम ऑफ द चार्जेस जो अभी आप पढ़े इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ई बराबर ए अपॉन आर बाई आर स्कवा की वैल्यू है नाइन इंटू टेन पावर फाइव तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोसिटिक एनर्जी ऑफ द कंफगरेशन ओके नाउ वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट जिसमें ये तो मैंने निकाल लिया जीरो पॉइंट सेवन माइनस में बट अब हमें ये निकालना पड़ेगा तो Q1 वन गिवन है Q2 टू गिवन है बट V1 और V2 नहीं गिवन है तो मैं सबसे पहले V1 और V2 निकाल लेता हूँ अभी आर तो लिख नहीं सकता एक और चीज आपको बताया था देखो या तो ये लगता है या तो ये लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तब ये लगेगा कैपिटल की तो दिया नहीं है तो अब हम क्या करेंगे अप्लाई यस इंटीग्रेशन माइनस के साथ ई डी आर तो ए बाई आर का स्क्वायर है बच्चों ध्यान देना बढ़िया से तो ए आर की पावर माइनस टू एंड डी आर चलो तो माइनस में आर पावर माइनस टू डी आर तो माइनस में आर की पावर माइनस टू प्लस वन करेंगे तो क्या होगा आर पावर माइनस वन और नीचे भी आर पावर माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ए बाई आर तो वोल्टेज मुझे मिल गया ए बाई आर ठीक है बच्चा चलिए तो अब वी वन निकालते हैं तो V1 आपका हो जाएगा K, विच इज नाइन इंटू टेन पावर नाइन फिर Q, नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ V तो आ गया ए भाई आर हाँ खत्म 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 सॉरी टोटल एनर्जी C वाले का तो एक तो आपका माइनस जीरो पॉइंट सात है ही वो पेयर्स के लिए के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू फिर दूसरा है प्लस Q1. Q1 आपका देखिए कितना माइनस टू या फिर सेवन तो सेवन माइक्रो यानी टेन एस टू माइनस सिक्स इंटू वोल्टेज ए बाई आर ए कितना है बच्चा लोग ये कहा है नाइन इंटू टेन तो पावर फाइव अपॉन आर आर क्या लेंगे तो एक लोकेशन से डिस्टेंस लिया जाता है यानी यहां से रेस्पेक्ट में मतलब और से जैसे अभी तक ये सारे एक्सप्लेनेशन में कहा से ले रहा था एक ही जगह से ले रहा था ना ये देखो यहीं से ले रहा था इसका और इसका आर वन और आर टू ये मेरे लिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है जीरो जीरो है तो मैं जीरो जीरो से अगर इसका डिस्टेंस देखूँ तो नाइन सेंटीमीटर है कोई बात नहीं तो ये हो गया नाइन सेंटीमीटर यानी टेन एस टू माइनस टू ठीक है ये प्लस सेवन और दूसरा वाला माइनस हो जाएगा टू इंटू टेन पावर में माइनस में सिक्स माइक्रो है ठीक है और फिर ए बाई आर यानी इतना डिवाइडेड बाई आर आपका अगेन वो भी नाइन सेंटीमीटर है तो टेन एस टू माइनस टू चलिए कट रहा है तो काट देते हैं नाइन से नाइन कट जाएगा यहाँ पे भी नाइन से नाइन कट जाएगा ठीक है बच्चा पाँच में से दो गया तो तीन पाँच में से दो गया तो तीन माइनस छ प्लस तीन माइनस तीन और माइनस तीन तो माइनस तीन और साथ में से दो गया गांच तो प्लस पांच गुड़े दस की घाते माइनस में तीन यानी माइनस में जीरो पॉइंट सात पांच बटे में एक हजार समझिए जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो फाइव नहीं जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव सॉल्व कर लीजिए बच्चा इसको यह आपका आंसर इज इट डन ग्रेट चलिए तो ये हो गया आपका ए पोर्शन का आंसर इतना है बी पोर्शन का आंसर आपका जीरो पॉइंट सेवन है यू टू माइनस में यू वन वही इतना आपने प्लस कर दिया उसको फिर तीसरा है म्यूचुअल इंट्रैक्शन देखिए ये आपका ऐड हुआ राइट तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है जूल बच्चा कहीं अगर कैलकुलेशन एरर होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट में कसम से कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब आप इसको डील कर लेना और कमेंट uh, करके मुझे प्लीज़ बता देना मैं कमेंट को पिन कर दूंगा कि यहाँ पर मैंने कहाँ लोचा मारा मे बी शायद ए की वैल्यू नाइन इन टू टेन एस टू फाइव वो भी सही है नाइन इंट टेन एस टू माइनस टू भी सही नाइन से नाइन कट जाएगा माइनस uh, छः और प्लस पाँच कुछ तो लोचा कर रहा हूँ मैं पाँच पाँच वो दस के बाद तो माइनस तीन कहाँ से आया रुको मैं फिर से देख लेता हूँ गलती पता चली पर चलो पाँच में से दो घटा दिया था मैंने जबकि ये ऊपर जाएगा तो सात होगा गया सात में से छह गया तो एक ये सत्तर हुआ और ये बीस हुआ तो सत्तर में से बीस जाएगा तो पचास ये आपका पचास है सही है आ चुका है अपना आंसर ये आपका फिफ्टी तो फिफ्टी में से ज़ीरो पॉइंट सात घटाएँगे तो फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री चूल ठीक है ये आपका आंसर है बढ़िया सवाल था एकदम अच्छे से अगर आप ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ आपको बहुत फील कराएगी ये चीज़ आइए आगे पढ़ते हैं अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर है मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड टेन टू माइनस ट्वेंटी मीटर तो डायपोल मोवमेंट आपको दे रखा है टेन पावर माइनस ट्वेंटी मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज एट लो टेम्परेचर बाई अपलाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोसिटिक फील्ड टेन पावर सिक्स वोल्टेज पर मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है टेन पावर सिक्स वोल्टेज पर मीटर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज्ड बाय एंगल ऑफ सिक्स डिग्री तो थीटा आपको सडनली चेंज कर दिया सिक्सटी डिग्री एस्टिमेट रिलीज्ड रिलीज बाई सब्सटेंस इन अलाइनिंग अलाइनिंग इट्स द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम हंड्रेड परसेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल चलिए चलिए बच्चा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में बता रहा है कि एस्टिमेट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस इन अलाइन द डाइपोल अलोंग द न्यू डायरेक्शन तो शुरुआत में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल इस तरीके से रहा होगा कि उसका एंगल थीटा इक्वल्स टू क्या हो जीरो डिग्री मतलब शुरुआत में तो वो डाइपोल अलाइन ही रहता है लेकिन लास्ट में आपको कितना बोल रहा है सिक्सटी डिग्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पीई कॉस थीटा ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है यू बराबर पी डॉट में ई विच इज माइनस माइनस के साथ रहता है तो हमने पहले यहां पर कॉस जीरो करा तो माइनस में ई हो गया उसके बाद में जब हम फाइनल की बात करेंगे तो माइनस में पीई कॉस सिक्सटी वन अपॉन टू तो ये आया माइनस में ई बाई टू तो हीट कितना रिलीज होगा जितना कि इसको चेंज लगने वाला है क्योंकि हीट एनर्जी इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हीट एनर्जी रिलीज इज गोना बी माइनस पीई बाई टू एंड माइनस में पीई तो आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चा ये आपका हो जाएगा माइनस में थ्री पीई डिवाइडेड बाई टू सिंपल कैलकुलेशन है, uh, आपके पास है, आपके पास है 2, और इस तो इसका आंसर लेकर आ जाइए इसका आंसर आ रहा है बच्चा लोग आपकी स्क्रीन पर है, 3 अब एंट्री मारते है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग धड़ाकेदार धड़ा टॉपिक के अंदर दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोसिटी ऑफ कंडक्टर यहाँ पर थी है बच्चा और इस थीरी को हम टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स के साथ लिंक करते हैं उनको समझते हैं ये थीरी से प्रॉपर्टीज समझना है कंडक्टर्स का और वो प्रॉपर्टी समझने के बाद हमें बहुत सारे एम के ऊपर उसे अप्लाई करना होता है पहले पूरा एन समझ लीजिए फिर जो आपके एम सी की प्रैक्टिस के लिए हम अलग से शीट आपको टेलीग्राम पर देंगे उसे आप देखेंगे तो आसानी से आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे ठीक है चलिए आ जाइए तो समझते हैं सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में समझते हैं तो इसकी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं एक कंडक्टर को कुछ चार्ज देता हूं तो वो सारे के सारे जो चार्जेस होंगे ना बच्चा वो सरफेस पर ही रहेंगे तो पहला जो पॉइंट हो गया चार्जेस ऑलवेज लाइज ऑन द सर्फेस हमेशा ऑलवेज सर्फेस पर ही रहेंगे ऐसा क्यों कि वो सर्फेस पर रहते हैं क्योंकि बच्चा प्रॉपर्टी है कि प्लस और प्लस भाई साहब ए चला दो ए बंद दे दो प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं तो अगर मान लीजिए पहले एक चार्ज था तो वो घूम रहा था डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश कर रहा था फिर जैसे ही दूसरा चार्ज आया तो रिपेल हो जाएगा इसलिए सब के सब कहाँ रहने की कोशिश करेंगे सरफेस पर रहने की कोशिश करेंगे नंबर नंबर टू अगर हम एक कंडक्टर के अंदर मतलब सरफेस पर चार्जेस देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टू ये हमेशा ही होगा बहुत बार बोर्ड्स में ये जब एमसीक्यू uh, का पैटर्न आया उसे पहले लिखने के लिए आता था दो मार्क्स का भी, भी दो मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये सवाल पूछ सकता है कि ऐसा क्यों यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सर्फेस के परपेंडिकुलर होगा तो आप बहुत ध्यान से समझिए इसका रीजन आप नोट डाउन करना चाहें तो करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए थीटा जितने एंगल पर है हाथ को देखिए मेरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा जितने एंगल पर है तो उसके दो कंपोनेंट बनते जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये थीटा जितना कंपोनेंट है तो एक आपका थीटा की तरफ कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा जो होगा आपका ई साइन थीटा होगा अब ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है जो अलॉन्ग द सर्फेस है अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाना सो दिस चार्जेस विल एक्सपीरियंस द फोर्स बिकॉज ऑफ द पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड और अलाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस सो बिकॉज ऑफ दैट वॉट विल हैपन दिस चार्ज विल मूव और अगर चार्ज मूव करेगा तो करंट बनाएगा लेकिन कंडक्टर को कभी भी छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है इसका मतलब है कि ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मौजूद होगी जो चार्ज को चला रही होगी कब तक जब तक मैं उसे कंडक्टर को कोई बैटरी के साथ नहीं जोड़ता तब तक जैसे ये भी कंडक्टर अगर इमेजिन करो उसको टच करने में मुझे लगना चाहिए फील होना चाहिए एज पर दिस थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो बट ऐसा तो नहीं है अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल ही रहता है वो थीटा जितने एंगल पर पॉसिबल नहीं है ये दूसरा प्रॉपर्टी तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जैसे हम बच्चा लोग यहाँ पर एक कंडक्टर हमने लिया और इससे बहुत ही पास में ये वाले पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से अब यहाँ पर हम पहले चैप्टर्स का लॉ यूज़ करेंगे दैट इज़ गाउस लॉ तो ये डिस्टेंस पर जाकर हमने एक गाउसन सरफेस इमेजिन करा तो गाउसन सरफेस का कुछ हिस्सा ऊपर है कुछ हिस्सा इसके अंदर है हमें फ्लक्स यहीं पर मिल सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहीं है और एरिया भी यहाँ है बाकी जो हिस्सा अंदर है कंडक्टर के अंदर कंडक्टर ऐसा समझिए कंडक्टर के अंदर तो अंदर तो चार्जेस है नहीं चार्जेस तो सिर्फ सरफेस पर है तो मुझे सिर्फ इतने डिपार्टमेंट के लिए ही मिलेगा और इतने डिपार्टमेंट का अगर मुझे चार्ज जानना है तो वो आपका हो जाएगा डी क्यू बराबर इंटू डी तो एस पर क्या कहता था गाउसलो ई डॉट डी एज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में अपसलान नॉट ये वाले कौन से चार्जेस हैं ये वो चार्जेस हैं जो सरफेस पर हैं गाउसन सरफेस पर हैं गाउसन सरफेस के साथ अटैच्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए दोनों के बीच का एंगल आपका जीरो है डी ए के जगह पर हम ए लिख सकते हैं और ये आपका हो गया कॉस जीरो यह हम सिग्मा इंटू ए लिख देते हैं पूरा एरिया अगर ए है तो तो पर हम क्यू के जगह पर सिग्मा इंटू ए लिख देते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो आपके ए के बराबर हैं ठीक है तो ई ए, ए कास्ट ज़ीरो एंड देन सिग्मा ए अपॉन अपसला नॉट तो देखिए एरिया से एरिया कैंसिल हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर के आता है वो आता है सिग्मा अपॉन में अफ्सलान नॉट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसे आप याद भी रखिएगा कि किसी भी कंडक्टर के बहुत नजदीक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आता है सिग्मा बराबर में सॉरी ई e बराबर में सिग्मा डिवाइडेड बाय अफ्सलान नॉट ऐसा ही एक और फॉर्मूला आपने देखा था चैप्टर वन के एप्लीकेशन ऑफ गाउस लो के अंदर जहां पर हमारा आंसर आया था सिग्मा बाई टू अफसलान नॉट बट वो क्या था वो था शीट की वजह से सिग्मा बाई टू अफसलान नॉट यह है किसी कंडक्टर की वजह से राइट तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई चौथी प्रॉपर्टी बच्चा बड़ी इंटरेस्टिंग है सारे के सारे के चार्जेस अगर सरफेस पर ही हैं, ठीक है ना तो अंदर अगर मैं गाउसन सरफेस ले भी लूँ, तो अंदर तो मेरा चार्ज भी जीरो है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है जीरो है तो किसी भी कंडक्टर के अंदर एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पे आपका चार्ज भी जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होता है इसी को आपके टेक्स्ट बुक में एक और अलग से पॉइंट में ये नाम दिया गया है शील्डिंग क्या मतलब है इसका इलेक्ट्रोस्टेटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि कंडक्टर के अंदर एक कैविटी सोच लो जैसे मान लीजिए कि ये कैविटी है ये आपका कंडक्टर है तो इंडक्शन की वजह से यहां भले कोई भी चार्जेस आए राइट right. यहाँ आप कुछ भी रख दीजिए कुछ भी कर दीजिए लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका ज़ीरो ही रहेगा तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर एक कैविटी बनती भी है तो सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो सरफेस पर ही रहते हैं बच्चा और अगर सरफेस पर है तो अंदर इस कैविटी में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा चार्जेस इनिचेले अगर नहीं है तो वो आपको ज़ीरो कंसिडर आपने कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है कैविटी के अंदर और इसके अंदर नेट चार्ज भी क्या होगा जीरो होगा इंडक्शन की वजह से भले यहाँ पर माइनस है लेकिन नेट चार्ज जो होगा अंदर वो हमेशा जीरो रहेगा तो इलेक्ट्रोसिटी शील्डिंग का मतलब होता है आपने बचाया शील्ड शील्ड का मतलब होता है कवच ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि बिजली गिरी है किसी कार के ऊपर और अगर आप कार के अंदर हैं तो आप सुरक्षित हैं शर्त बस इतनी है कि कार का जो पतरा है वो सब कंडक्टर का होना चाहिए क्योंकि जो बिजली गिरेगी तो कंडक्टर में अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो सारे के सारे चार्जेस से वो कार के सरफेस पर ही रह करके खत्म हो जाएगा लेकिन अंदर आप तक वो नहीं पहुंचेगा तो उसका कारण बस ये होता है कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसी एक चीज बन जाती है ठीक है तो ये चीज को आपके टेक्स्ट बुक में ही सारे पॉइंट्स वाइज हमने एक्सप्लेन कर लिए बच्चा एक बार आपको दिखा भी देते हैं कि आपका ये पॉइंट भी देखो कवर हो गया अच्छे से एक ही सेकेंड यहां पर एक चीज रह गई है शायद तक 16, नहीं ये तो हमने कर लिया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टाईपोल ओके ओके तो टू पॉइंट एट पॉइंट थ्री था ये कर लेते हैं हाँ जो इसी के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन आया टू पॉइंट सिक्स है ना ठीक है कोई नहीं अभी कर लेते हैं तो ये देखिए प्रॉपर्टीज अब आप इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे आपको सब समझ में आएगा इसे कर भी लेते हैं हम लोग आइए देखिए सबसे पहले इन साइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोसिटी फील्ड इज जीरो जो हमने सीख लिया फिर है एट द सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोसिटी मस्ट बी नॉर्मल हमेशा सर्फेस के परपेंडिकुलर होगा तीसरा पॉइंट है द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज द स्टेटिक सिचुएशन बिल्कुल अंदर कोई भी चार्जेस नहीं रहता है फिर नंबर फोर पर आता है इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ये चीज समझने वाली बात है देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स या माइनस में डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हम कह सकते हैं डेल्टा वी बराबर जीरो यानी कि वी एफ माइनस वी आई बराबर जीरो यानी कि बच्चा लोग वी एफ इज इक्वल टू वी आई यानी वोल्टेज क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा याद रखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एज पर दिस फॉर्मूला जितना सर्फेस पर होगा उतना ही अंदर होगा ये सवाल आप विश्वास नहीं मानेंगे नीट में आया हुआ है चालीस वोल्टेज सर्फेस पर है अंदर सेंटर पर पूछा था कितना तो चालीस ही वोल्टेज जितना सरफेस पर है उतना हर जगह पर होगा नॉट इवन सेंटर बट दी एंटायर पॉइंट जितने भी पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर होंगे उन तमाम जगह पर पोटेंशियल आपका क्या होगा जीरो हो जाएगा चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं नंबर फोर के बाद में आया है आपका नंबर फाइव एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैंने डेरिवेशन के फॉर्म में आपको बता दिया और इसके बाद में एक जो मुद्दा आया है वो है आपका इलेक्ट्रोसिटिक शील्डिंग वो हमने समझ लिया तो कुल मिलाकर के छह पॉइंट थे एक पॉइंट आपका रह गया जो अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया और वो ये है कि अंदर जो कर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पर पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा कॉन्स्टेंट और वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा सर्फेस के बराबर रहेगी चलिए तो अब एक सवाल पर जाने से पहले हमारा ये वाला जो पॉइंट है उसे हम सीख लेते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड तो किसी एक्सटर्नल फील्ड में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अच्छा डेरिवेशन है ये कर लेते हैं अभी इसको सवाल में हमने यूज़ कर लिया तभी मैं सोचा कि कहाँ चला गया तो हमारे एडिटर से गलती हुई है कोई बात नहीं कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है देखिए बच्चा तो ये हमने लिया सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल आपको लगेगा चैप्टर वन के अंदर भी ऐसा चीज था वही चीज है उसको थोड़ा एक स्टेप आगे लेके गए और ये बनाया हमने डाइपोल ये बनाया एंगल थीटा डाइपोल है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा एक आपका नेगेटिव चार्ज होगा ये प्लस है ये माइनस है दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है चलो ओके नो प्रॉब्लम सर यहां प्लस लेते हैं और यहां माइनस लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि इसके ऊपर फोर्स लगे इस तरफ और इसके ऊपर फोर्स लगे इस तरफ बिकॉज ऑफ दिस माइनस हमने इसे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि वेन एवर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट ऑलवेज एक्सपीरियंस अ टॉर्क तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है वो टॉर्क का फॉर्मूला है पी क्रॉस ई e, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं अब अगर मैं इस डाइपोल को किसी एक थीटा वन पोजीशन से दूसरे थीटा वन पोजीशन पर ले जाऊं जैसे ये वाला एक पोजीशन है थीटा वन और ये एक पोजीशन है थीटा टू कुछ भी हो सकता है बच्चा तो ये डाइपोल की पोजीशन है जिसको मैं थीटा वन से थीटा टू रोटेट करना चाहता हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा एज पर द फॉर्मूला ऑफ वर्कडन रोटेशनल रोटेशनल वर्कडन टॉर्क torque into डी थीटा वैसे जनरल फार्मूला ऑफ वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो इन प्लेस ऑफ फोर्स वी वुड राइट राइट वी विल टॉर्क इन प्लेस ऑफ डी एक्स वी विल राइट थीटा सो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टॉर्क थीटा चलिए तो टॉर्क की जगह पर क्या लिखेंगे पीई साइन थीटा एंड देन डी थीटा और ये कहाँ से कहाँ तक तो थीटा वन से थीटा टू तक तो चलो ये हो गया माइनस में पीई बिक साइन थीटा का आंसर क्या होता है कॉस थीटा माइनस में तो मैंने माइनस कर दिया और फिर ये हो जाएगा थीटा वन से थीटा टू तो कुल मिलाकर आपका आंसर आया माइनस में पीई कॉस थीटा टू माइनस में थीटा वन ठीक है बच्चा तो पहले हमने अपर लिमिट रखा फिर हमने लोअर लिमिट कर दिया तो माइनस पहले से था ही तो माइनस पीई कॉस थीटा एंड देन प्लस पीई कॉस थीटा तो ये कुछ इस तरीके से आया एक तरीके से आप इसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो

वो है स्टेबल और दूसरा है अनस्टेबल स्टेबल का क्या मतलब है स्टेबल का मतलब होता है थीटा जीरो और अनस्टेबल का मतलब है थीटा इज इक्वल टू वन एटी जब थीटा जीरो होगा तो माइनस में पी कॉस जीरो यानी कि यू बराबर में माइनस में पी और जब ये होगा बच्चा लोग तो यू बराबर में आपका हो जाएगा माइनस में पी ई में वन एटी कॉस वन होता है तो ये आपका हो जाएगा प्लस में ठीक है कई बार ऐसे दो तीन सवाल पूछे गए हैं कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया है कि बताइए कि वर्क डन क्या होगा अगर हम डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाएं तो अनस्टेबल पे आंसर क्या है पीई -E. और स्टेबल पर क्या है माइनस पीई स्टेबल से अनस्टेबल तो अनस्टेबल माइनस स्टेबल दैट इज वर्क डन चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल तो टू -E. और अगर अनस्टेबल से स्टेबल ले जाएंगे तो माइनस में टू तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अनस्टेबल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वर्क डन कितना होगा अगर मैं स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाऊं और अगर अनस्टेबल से स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाऊं तो क्या होगा इन्हें नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से तो ये चीज भी आपका होता है यहाँ पर समाप्त चलिए टू बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे चार सवाल पूछे गए हैं यहाँ पर आपको समझना है और आंसर भी अच्छे से करना है देखिए पहला सवाल क्या बोलता है कंघी है ये चैप्टर वन से रिलेटेड है थोड़ा सा रन थ्रू रन थ्रू वंस ड्राई हैंड अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर वाई कहता है कि कंघी को जब हम करते हैं फिर एक छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास लेके जाते हैं उसको चिपका लेता है ऐसा क्यों क्योंकि जब फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन से एनर्जी निकलती है हीट एनर्जी वो हीट एनर्जी की वजह से कंघी चार्ज हो जाता है एक पे प्लस हो जाता है और दूसरे पे क्या होता है माइनस तो कागज़ के पीस को चिपका लेता है लेकिन दूसरे ही पल उसने ये बोला है कि अगर वॉट हैपन्स द हेयर इज वेट और इफ इट इज अ रेनी डे बारिश के समय में आपके बाल गीले हैं तो क्या होगा तो उस वक्त फ्रिक्शन उतना पावरफुल नहीं होगा और फ्रिक्शन पावरफुल नहीं होगा तो कंघी को जब आप घिसेंगे तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप नहीं होगा यानी वो चार्ज नहीं हुआ तो बिट ऑफ पेपर को चिपका नहीं सकते नंबर टू बहुत अच्छा सवाल है ये आप ध्यान से समझना एंड बड़ा इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है कि ऑर्डिनरी रबर इज़ एन इंसुलेटर नॉर्मल जो रबर होते हैं वो इंसुलेटर के होते हैं बट स्पेशल रबर जो होते हैं खास करके एयरक्राफ्ट के जो विमान होते हैं जब वो लैंड करते हैं तो उनके जो रबर होते हैं वो थोड़ी बहुत रबर के अंदर मेटल मिला दिया मिला दिया जाता है ऐसा क्यों क्योंकि बच्चा ध्यान से समझिए एरोप्लेन की जो नॉर्मल स्पीड होती है जब वो नीचे उतरते रहता है 500-600 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और इतने स्पीड से अगर वो ज़मीन के साथ टकराएगा तो बहुत तेज़ी से फ्रिक्शन आएगा और जो कि आता भी है अगर फ्रिक्शन आएगा तो उसमें चार्ज भी डेवलप होगा इमेजिन करिए कि वो रबर पूरी तरह से प्लास्टिक का होता तो प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर तो वो चार्ज को ट्रांसफर नहीं करता उसी में रह जाता और अगर उसी में रह जाता बच्चा पार्टी तो बहुत बड़ा स्पार्क जनरेट कर सकता है इसीलिए धरती माता के साथ रोड के साथ संपर्क रहता है जैसे वो रनवे पर आता है अगर वो थोड़ा बहुत मेटल का होगा तो मेटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करती है अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो जहाँ पर मैंने चम्मच वाला एग्जाम्पल दिया था तो वो चार्ज को क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है फैला देता है तो अर्थिंग के थ्रू ग्राउंडिंग के थ्रू पूरा मेट जो मेटालिक रबर है वो चार्ज को ट्रांसफर कर देगा और जब रन पर वो नीचे उतरता है जहाज़ तो क्या होगा उसके पहिए पर जनरेट होने वाले चार्ज से स्पार्क जनरेट नहीं होगा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि जो भारी भरकम इनफ्लेमेबल मटेरियल्स uh, लेकर के चलने वाले ट्रक होते हैं ज्वलनशील पदार्थ कई बार आप देखिए जो ऑयल पेट्रोल या डीजल लेकर के चलते हैं ट्रक हाईवेज़ पर उनमें लिखा रहता है कि सेफ्टी डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए क्योंकि वो इनफ्लैमेबल होता है ज्वलनशील पदार्थ होता है तो उनमें भी क्या होता है ना जो ट्रक होता है आप देखेंगे कि नीचे जिस प्लेट पर वो पूरा बड़ा सा होता है डायग्राम कुछ ऐसा समझिए ये टैंकर फिर ये ट्रक ये उसके पहिए है ना तो यहाँ पर ना ऐसे सिकड़ी लगी होती है चैन लगी हुई जो जमीन से टकराती रहती है उसमें भी यही कारण है क्योंकि वो इनफ्लेमेबल है अगर प्लास्टिक होता तो क्या होता तेजी से चल रहा है चार्ज डेवलप होते चार्ज डेवलप होते तो उसमें कभी भी आग लग सकता था तो वो चार्ज को ट्रांसफर करता रहता है धरती माता के साथ अर्थिंग हो जाता है सारे चार्ज चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट मेटालिक चेन डी वाले का आंसर मैं चाहता हूँ बच्चा लोग आप कमेंट करके बताएं कि एक चिड़िया जो होती है वो हाई टेंशन वोल्टेज वाले लाइन पर बैठती है उसे करंट नहीं लगता क्या कारण हो सकता है उसका ठीक है कमेंट करके बताइएगा बहुत ही अच्छा सवाल ही है ये चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर आते हैं एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से एम आ सकते हैं बच्चा लोग और अगर आप इन्हें ढंग से समझेंगे तो कैपेसिटर आप अच्छे से समझ पाएंगे देखिए डाईलैक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर ठीक है सबसे पहला पॉइंट डाईलैक्ट्रिक क्या होता है इंसुलेटर होता है दो तरह के डायलैक्ट्रिक मटेरियल होते हैं एक होता है पोलर डायलैक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक जितना आपको पता उतना याद रख लोगे फिर टेक्स्ट बुक में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सब समझ में आ जाएगा फिर कहानी है उसके अंदर पोलर डायलैक्ट्रिक वो होता है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है और नॉन पोलर वो होता है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट नहीं होता डाइपोल मोमेंट होने का मतलब होता है कि प्लस और माइनस सेपरेट होना और नॉन डाइपोल मोमेंट का नहीं होना मतलब प्लस और माइनस एक ही जगह पर केंद्रित रहना बेस्ट एग्जाम्पल है एच टू ओ टू एन टू इस पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है तो इसमें दूसरे वाले जो है एटम्स नहीं है इसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मटेरियल्स है वैसे नहीं है वहीं अगर मैं एच सी एल देखूँ एन देखो और सी देखो तो एच में H प्लस है और सी एल माइनस है इनके जो कन्फिगरेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एन है तो एन प्लस है और सी एल माइनस है है ना इनमें डाइपोल प्लस माइनस प्लस माइनस सेपरेट है लेकिन इसमें कहाँ सेपरेट है बट बच्चों ये गलती मत करिएगा ये आपका पोलर डायलेक्ट्रिक नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोलर डाइलेक्ट्रिक आपको लगेगा यार दो अलग अलग है सर ये तो है लेकिन ऐसा नहीं है इसकी खास बात ये होती है इसके पीछे का कारण ये होता है थोड़ी केमिस्ट्री है इसके अंदर कि कार्बन बॉन्ड के साथ में यह डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन इस तरीके से रहता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू कार्बन तो होता क्या है कि इनका डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनका डायलैक्ट्रिक मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए इसका नेट क्या हो जाता है जीरो जिस वजह से ये पोलार नहीं होता तो दिस इज नॉन पोलार तो आपको यहां पर क्या याद रखना है डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल क्या होते हैं इंसुलेटर क्या होता है इंसुलेटर कोई डायलैक्ट्री कहा जाता है टेक्निकली चैप्टर वन में भी आपने पढ़ा था कि अ, चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम किसी मीडियम में रखें जिसका डायलेक्ट्री कॉन्सेंट दिया हो तो फोर्स चेंज हो जाता है अभी आगे इसका रोल आने वाला है <laughs> तो दो तरह का होता है एक पोलार दूसरा नॉन पोलार पोलार वो जिसमें प्लस माइनस अलग अलग हो जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है सो द मटेरियल इन विच वी कैन से दैट देर इज अ डाइपोल मोमेंट एच टू like है, है, uh, को भी ले सकते हैं हाँ उसके अंदर भी सेम कन्फिग्रेशन है का. लेकिन वो मटेरियल इज नो टाइपुलवमेंट इफ देर इज नो टाइपल मोमेंट नो प्लस इन माइनस दैट इज सेट टू विद पोलर सी ओ टू इज लिटिल बिट डिफरेंट दैट इज नॉन पोलार वो पोलार नहीं है आप गलती नहीं करिएगा फिर एक और बहुत अच्छी चीज यहाँ सीखना <laughs> जब हम एक को इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं एक डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होगा समझना बहुत अच्छे से जैसे मान लीजिए बच्चा लोग अरे वाहक रोशन की आवाजें पढ़ेंगे सुपर टैलेंटेड मान लीजिए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ठीक है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा एक डायलैक्ट्रिक मटेरियल है अच्छा डायलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर इसका मतलब ये क्या कि उसके अंदर एटम्स नहीं है नहीं गलत बात एटम्स तो है ना एच टू एन टू ओ टू ये सब है तो एटम्स है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर प्लस माइनस भी है करेक्ट येस तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस होता है होता क्या है कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस है वो इनके प्लेट्स को यहां पर माइनस प्लस को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है माइनस एक तरफ जमा होने लगते हैं इस तरीके से जमा होने लगते हैं फिर प्लस के जस्ट बाजू में माइनस प्लस होता है इस तरीके से बच्चा लोग माइनस प्लस जमा होने लगा वापस यहां पर माइनस प्लस माइनस प्लस क्यों हो रहा है ऐसा

बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर आपका वेट कर रहा है बच्चा ध्यान से समझिएगा ये प्लस की वजह से ये माइनस आ गए और ये माइनस की वजह से ये प्लस आ गए अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये जितने भी ये वाले लोग हैं यहां से लेकर के यहां तक क्या इनका इंपैक्ट आपको नहीं लगता अंदर खत्म हो गया सर ऐसे तो फिर ये प्लस माइनस भी खत्म होने चाहिए नहीं ये प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का है और ये माइनस मटेरियल का है इसीलिए मटेरियल का नेचर अलग है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर अलग है तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस दोनों अलग अलग चीजें हैं इसलिए ये 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 लोग बच बच जाएंगे प्लस 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 और माइनस 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 जाएगा लेकिन अंदर लोग एक ही नेचर के हैं इसीलिए ये मर जाएंगे तो हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैं एक स्लैब को रखता हूं डायलैक्ट्रिक स्लैब को पोलार डायलेक्ट्रिक स्लैब को नॉट नॉन पोलर प्लस माइनस है इसके अंदर तो बच्चा होता क्या है कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और एक्सटर्नल अगर आपका ई e नोट है तो और आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका एक्सटर्नल माइनस में ई e आई हो जाता है यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है क्या हम इसका कोई एडवांटेज ले पाएंगे बिल्कुल ले पाएंगे अभी लेक्चर में अगला जो हिस्सा होगा वो कैपेसिटर का होगा वहां पर इसका बहुत बड़ा रोल है फिर से समझिएगा जब मैं किसी पोलार्डा इलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ सरफेस पर चार्ज डेवलप मुझे मिलेंगे प्लस के साइड माइनस और माइनस के साइड प्लस तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में इनसाइड ये प्लस से माइनस ये आपका इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई नॉट में से ई आई करना पड़ता है माइनस यानी कुछ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हम लेंगे यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई ई नॉट माइनस में ई आई हो गया ओके ये जो प्रोसेस है ना बच्चा लोग प्लस माइनस प्लस माइनस इसको पोलराइजेशन कहते हैं इसको क्या कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं जैसे प्लस माइनस वाला एक डाइपोल था सॉरी प्लस माइनस वाला एक नॉन नॉन पोलर मटेरियल था था उसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी क्या प्लस है तो माइनस को खींच लेगी और ये माइनस है तो प्लस को खींच लेगी तो अंदर एक कहते हैं। याद रखना बच्चा ये आगे बहुत चीज में काम आएगा मैग्नेटाइजेशन में सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन व्हेन द नॉन पोलर कन्वर्ट्स इनटू पोलर मटेरियल

नाओ व्हाट इज दिस स्काई ई सुनिए ध्यान से क्या डायलेक्ट्रिक मटेरियल एक जैसे होंगे नहीं हर एक मटेरियल अलग-अलग होगा तो जाहिर सी बात है हर एक मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव भी अलग-अलग करेगा जैसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 1000 न्यूटन पर कूलम का मैंने दो मटेरियल लिए एक ये डाइइलेक्ट्रिक है मेरे पास एक ये डाइइलेक्ट्रिक है ये जैसे ही 1000 में जाता है तो इसके अंदर हो गया 500 और ये जाता है तो इसके अंदर हो गया 800 कौन सा अच्छा डायलेक्ट्रिक हुआ ये क्योंकि ये एक हजार को 500 कर दे रहा है हजार इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे रहा है और ये हजार इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ 800 ही कर पाया मतलब इसका डाइ की वैल्यू अलग है इसकी डायलैक्ट्रिक की वैल्यू अलग है कौन कितना एक्सटर्नल फील्ड को काटेगा ये क्वालिटी बताती है स्काई ऐसे ही फ्यूचर में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फिफ्थ में स्काई एम डाई मैग्नेटिक सबिलिटी सुना भी होगा केमिस्ट्री में पैरो मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक आएगा फिजिक्स में भी तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मटेरियल कैसा बिहेव करने वाला है दिस वी कैन अंडरस्टैंड विद द वैल्यू ऑफ स्काई एम एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा मटेरियल कैसा बिहेव करेगा दिस वी कैन गेट विद द वैल्यू ऑफ स्काई सो स्काई इज अ काइंड ऑफ फिजिकल क्वान्टिटी फिजिक्स क्वानिटी विच विल टेल दैट दिस मटेरियल हाउ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मक्खी परेशान ठीक है लोग तो लो? अब यहीं पर एक और बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बात समझिए हम ये डायलैक्ट्रिक रख रहे हैं इंसुलेटर रख रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कंडक्टर रखू तो क्या होगा बढ़िया सवाल तो कंडक्टर की खास बात ये होती है ना कि जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो बच्चा तो कंडक्टर रखते उसमें प्लस माइनस सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ये प्लस है तो ये वाला सरफेस माइनस हो जाएगा ये माइनस है तो ये वाला सरफेस प्लस हो जाएगा और इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और ऐसी जनरेट हो जाएगी ससुरा कि नेट आपका जीरो होगा अगर आप ये याद रख लो तो कैपेसिटर बहुत अच्छे से डीप डाइव करके समझ पाओगे दिस इज डायलेक्ट्रिक मटेरियल दिस इज कंडक्टर कंडक्टर में खास बात यह है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आते ही पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वाट लगा देता है अंदर जीरो क्यू? के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस से माइनस सेट हो जाता है अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इसके अंदर जो प्लस माइनस शांति से बैठे थे वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स एज पर द फॉर्मुलट ऑलवेज एक्सर्स द फोर्स ना हाँ तो फोर्स लगेगा अंदर का जो माइनस होगा वो इधर भाग जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस की तरफ इधर भाग जाएगा तो हम क्या देखेंगे कंडक्टर की एक सर्फिस माइनस एक सर्फिस प्लस मतलब अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई और इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई कि एक्सटर्नल वाले की जितनी हुई तो बाहर सौ ऐसे अंदर सो ऐसे नेट कितना जीरो लेकिन यहां वो चीज नहीं हो पाता क्योंकि यहां इस प्लेट पर माइनस बचे हैं यहाँ इस प्लेट पर प्लस बचे हैं वो बचे हैं और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं वो एक्सटर्नल वाले के बराबर हो जाते हैं ये प्रैक्टिकली प्रूफ बात है तो ये आपको ध्यान रखना है अब आते हैं टॉपिक के ऊपर अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड जबरदस्त टॉपिक बच्चा दैट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका समझते हैं। <coughs> तो इट इज वीडियो ट्रस्ट मी दिस इज माई बेस्ट एवर बेस्ट शूट ऑफ द एनसीआरडी टेक्स्ट बुक पढ़ाया इससे पहले भी लेकिन वन शॉट में ये जो वीडियो है कमाल की वीडियो है ध्यान से सुनिएगा आपने ऐसा देखा होगा कैमरे का फ्लैश डी आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं और आपके घर में ट्यूबलाइट है दोनों को थोड़ा सा डीप डाई करते हैं ट्यूबलाइट जो है बच्चा वो कमरे में लगी हुई है 200 वोल्टेज के साथ 220 वोल्टेज के साथ बिकॉज इंडियन हाउस में जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो 220 पे काम करता है एंड एट द सेम टाइम जो हमारा कैमरा लगा होता है डी के अंदर जो कैमरा होता है बीस बाईस वोल्टेज की बैटरी होती है सोच के देखिए अगर आपको अपनी फोटो खिंचानी है आप डी एस एल आर से खिंचाएंगे ट्यूबलाइट में मोबाइल के कैमरे से ऑब्वियसली डी से क्योंकि डी में जो फ्लैश लाइट आती है उसका पावर उसकी इंटेंसिटी उसकी चमक कंपैरिजन टू तो दिस 220 सौ वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है पर दिमाग में यहाँ एक क्वेश्चन बनना चाहिए सर ऐसा तो क्या जादू है कि 220 सौ वोल्टेज से मिलने वाली ट्यूबलाइट की चमक उस कैमरे की फ्लैश लाइट को हरा नहीं पा रही है उसके पीछे का कारण है ये डिवाइस दैट इज कैपैसिटर आपके पंखा जो भी घर में लगा हुआ है कभी अगर आपने ऑब्जर्व करा हो कि वो ख़राब होता है या उसकी जो ऊपर प्लेट होती है कभी आप उसको खोल करके देखिएगा पंखा जब भी स्लो होता है तो रिपेयरमैन आकर के जब उसे इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करता है तो उसमें एक कैपेसिटर ही डालता है ऐसे सिलेंडरगल टाइप होता है बेसिकली कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है पॉइंट डाउन करते जाइए नोट डाउन करते जाइए तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो बच्चा एनर्जी को स्टोर करता है और कैसी एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म की एनर्जी देती है एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है एनर्जी आती है कहाँ से चार्ज से यानी ऐसा समझिए कि जैसे कुएँ एक कुआँ है और जब भी ट्यूबवेल खराब होगा तो कुएं से बकेट से पानी भर करके आपको मिल जाएगा ऐसा सोर्स इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कैपेसिटर ही कर पाता है तो कैपेसिटर एक एनर्जी का स्टोर है पूरा स्टोरेज है जब हम बटन दबाते हैं कैमरे का लाइट, तो जो चार्ज रहता करके एक साथ खुलता है। और एनर्जी करते है? समझने के लिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल पूछना चाहूंगा बच्चा एक बाल्टी है रखा हुआ है इस पर आप पानी डाल रहे हो मुझे बता सकते हो इस बाल्टी में आप पानी कब तक भर सकते हो सर लाइफ टाइम तक नहीं जब तक बाल्टी भर नहीं जाती बाल्टी भर जाएगी पानी बाहर जाएगा इसको सिंपल आप भाषा में क्या कहोगे पानी का लीकेज हो रहा है पानी बर्बाद हो रहा है पानी डाल रहे हो बट पानी आपको बाल्टी में नहीं दिख रहा है बाहर दिख रहा है कब जब एक बार बाल्टी भर जाए उसके बाद ऐसा ही कुछ कंडक्टर्स के साथ होता है ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से चार्ज को स्टोर करके कितनी भी जनरेशन की चीज़ जनरेट कर सकते हैं देर इज़ ऑलवेज अ लिमिट जस्ट लाइक अ बाल्टी के अंदर पानी भरना आइए उसको भी समझते हैं जैसे मान लो हमारे पास में यहाँ पर एक कंडक्टर है मैं कह रहा हूँ इस पर मैं चार्ज रख रहा हूँ मेरा सवाल है कि हम लाइफ टाइम तक चार्ज रख सकते हैं जवाब है नहीं देखिए जैसे जैसे आप यहाँ चार्ज रखते जा रहे हैं बच्चा इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत पावरफुल होते जा रहा है यस और नो यस सर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पावरफुल हो गया है कि ये आस में रहे हुए हवा के एटम्स को आयनाइज कर सकता है आंसर है यस यहाँ पर हम लगातार चार्ज रखते जा रहे हैं कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होते जा रही है अब इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होते जा रही है तो हवा में रहे हुए एटम्स के अंदर के न्यूक्लियस के सबसे लास्ट ऑर्बिट हवा में रहे हुए न्यूट्रल एटम के अंदर सबसे लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर निकाल सकता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ भाई लोगों का इलाका तो पहले जो न्यूट्रल एटम था उसके अंदर का ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और ये खुद क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी हम चार्ज रखेंगे और ये प्रोसेस होने लग जाएगी एक फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर ही ऐसा होगा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक कूलम था हम चार्ज रख रहे थे एक कूलम तो एक न्यूटन था ऐसे करते करते हमने दस हजार कुलम चार्ज रखा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते मान लिया कि सौ न्यूटन तक हुआ ठीक है सौ न्यूटन पर कूलम तक हुआ ये बराबर एफ क्यू क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड 100 न्यूटन पर कुलम को मैं एक लिमिट मान के ऐसा इमेजिन करूं कि अब इसके बाद इसके बाद मैं जरा सा भी एक कुलम चार्ज बढ़ाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और प्लस सेपरेट हो जाता है फिर से समझिए इस बात को ऐसा नहीं है कि आपने यहां एक कुलम चार्ज रखा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसे एक कुलम से आया और उसने हवा के अंदर रहे हुए एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया नहीं क्योंकि उस लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के साथ बना हुआ है तो अगर तुम्हें उस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़ना है तो तुम्हें उस न्यूक्लियस की ताकत को हराना पड़ेगा और उस ताकत को हराने के लिए तुम्हें और चार्ज यहां रखने पड़ेंगे द मोर चार्ज द मोर पावरफुल मोर चार्ज मोर पावरफुल 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 होते होते मान लिया हमने कि सौ पर परुलम के बाद वो वो पावर है कि वो अब इस न्यूट्रल एटम को तोड़ सकता है ठीक है तो अब मान लिया हमने तो हमने जैसे ही एक कुलम और चार्ज बढ़ाया इस 100 न्यूटन पर कुलम के इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन्स को और प्लस को सेपरेट कर दिया इसे हम कहेंगे आयनाइजेशन आयनाइजेशन हो 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 गया गया बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां सीख रहे हो, देखो हो गया। जैसे ही आयनाइजेशन हुआ बच्चा माइनस और प्लस सेपरेट हो गए तो मतलब मैं चार्ज यहां दे रहा था लेकिन प्लस मुझे बाहर दिख रहा है और माइनस अंदर दिख रहा है मतलब बाहर प्लस और माइनस दिख रहा है एक्सपेरिमेंट सवाल का आंसर सुनिए मतलब सवाल सुनिए पहले फिर आंसर दीजिए ये माइनस कहाँ जाएगा ज़ाहिर सी बात है ये अंदर चला जाएगा क्योंकि माइनस प्लस को खींच लेगा प्लस माइनस से अट्रैक्ट हो जाएगा तो अगर ये माइनस यहाँ गया तो इस पूरे कंडक्टर का चार्ज कॉन्स्टेंट है बढ़ रहा है या घट रहा है प्लीज़ वीडियो को रोक करके सवाल को ध्यान से सुन करके आंसर कॉमेंट करिए बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ कंडक्टर पर हम चार्ज रख रहे हैं 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 रखते रखते एक लिमिट आ गई वो लिमिट ये कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इतना पावरफुल हो गया हूँ मेरा फोर्स इतना हो गया है कि मैं अब न्यूक्लियस के फोर्स को तोड़ करके मैं उस इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूंगा तो अब क्या हुआ वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो वो इलेक्ट्रॉन निकलते ही कहाँ आ गया कंडक्टर के अंदर आ गया प्लस 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 के साथ अट्रैक्ट हो गया तो बाहर प्लस अभी भी घूम रहा है दैट्स ओके okay. यहां पर मैंने प्लस दिया बट मुझे प्लस बाहर दिख रहा है बट साथ में माइनस भी अंदर आ गया माई क्वेश्चन इज ना वट डिक्रीजेस कमेंट करिए अपना आंसर किया बच्चा अब ध्यान से सुनिए बहुत सारे लोग सोचेंगे चार्ज घटेगा है ना क्योंकि माइनस आ रहा है बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं यार चार्ज बढ़ेगा क्योंकि माइनस आ रहा है वो थोड़ा गलत लगता है ये शायद अपना सोच रहे हो कुछ ही स्टूडेंट ऐसा सोच पा रहे होंगे कि सर चार्ज कॉन्स्टेंट है जरा देखिए एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना बच्चा लोग तो हमने जैसे ही कोलम चार्ज बढ़ाया था ये दस हजार एक हुआ हुआ लेकिन ये होते ही आपका हंड्रेड न्यूटन पर कूलम इतना पावरफुल था तो इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन अंदर आया मतलब माइनस वन फिर से कितना हो गया दस हजार हमने फिर यहां पर एक और चार्ज बढ़ाया एक और चार्ज आते ही ये पावरफुल हो गया उसने फिर इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया इलेक्ट्रॉन फिर अंदर आ गया आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हर बारी मेरी जान बच्चा लो आपका चार्ज आपका चार्ज कॉन्सेंट्रेट यानी कंडक्टर में एक लिमिट आ गई क्यों बिकॉज ऑफ दिस चार्ज का एडिशन एडिंग मोर चार्जेस विल कंटिन्यूसली इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके एयर का ब्रेकडाउन कर देगा इस वर्ड को याद रखो एयर का ब्रेकडाउन करने की वैल्यू थ्री इंटू टेन पावर सिक्स वोल्टेज पर एम होती है यानी कि थ्री इंटू टेन पावर सिक्स वोल्टेज पर एमएम mm के बाद आपका एयर का कंडक्टिविटी शुरू हो जाता है एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है उस वक्त आपके कंडक्टर पर चार्ज रखने के बावजूद भी आपको चार्ज बाहर दिखेंगे जैसे बाल्टी का पानी बाहर दिख रहा था इसे हम लीकेज प्रोसेस कहते हैं आपके टेक्स्ट बुक में दिया तो ज़रूर है लेकिन बहुत कठिन शब्दों में दिया है मैंने इसे आसान बनाने की कोशिश की और ऐसा उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको समझ में आया कुछ दिक्कत हो तो कॉमेंट जरूर करना और वापस सुनिए कहानी को मज़ा आ जाएगा आपको फिजिक्स को फील करो बच्चा लोग आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा यानी जो मेरा शुरुआत का ये सवाल था कि हम किसी भी कंडक्टर पे चार्ज किया कभी भी रख सकते हैं कितना भी रख सकते हैं ताकि हम फ्लैश का यूज कर सके तो आंसर है नहीं चार्ज को हम रखते जा रहे हैं कंडक्टर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कब तक कंडक्टर आसपास के रहे हुए हवा का एनाजेशन नहीं कर देता एक बार एनाजेशन स्टार्ट हो गया आपका चार्ज लीकेज होना स्टार्ट होगा मतलब जब चार्ज लीकेज होना स्टार्ट हो रहा है उस वक्त आपका Q प्रपोर्शनल टू कंडक्टर के वोल्टेज के बराबर है यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ाओगे चार्ज आपका बढ़ रहा था है ना क्योंकि भी बराबर के है चार्ज बढ़ा रहे हो आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो पोस्नालिटी को हटाते ही कॉन्स्टेंट आता है जिसे हम सी कहते हैं और यही सी बच्चा लोग आपका कैपेसिटेंस है एक बहुत ही कॉमन बात जो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कैपेसिटर डिवाइस है कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है एंड सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी अब यहाँ भी बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सवाल सुनिए चार्ज बढ़ाऊँगा कैपेसिटेंस का क्या होगा घटेगा बढ़ेगा कॉन्सटेंट है बच्चे बोलेंगे सर ये बढ़ा रहे हो तो सी बढ़ेगा गलत यार चार्ज के बढ़ने से चार्ज के बढ़ने से वोल्टेज ही बढ़ेगा सी तो कांस्टेंट है ना आप जितना चार्ज बढ़ाएंगे वोल्टेज भी उस हिसाब से चेंज होगा बट क्यू बाई वी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ये वो बात हो गई कि पहले चार्ज वन था वोल्टेज भी वन था फिर चार्ज आपका दस हुआ तो वोल्टेज भी दस हो गया फिर ये बीस हुआ तो ये भी बीस हो गया हर बार आपका वन 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 ही आंसर आएगा इट्स अ कॉन्स्टेंट तो आपका कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंट रहता है इट नेवर डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड वोल्टेज का डिफरेंस इसका यूनिट क्या होता है साइंटिस्ट जो थे उनके नाम पर से पैराड इसकी जो वैल्यू होती है माइक्रो फेराड नैनो फेराड पीको फेराड माइक्रो बोले तो टेन रेस टू माइनस सिक्स ये है टेन रेस टू माइनस नाइन एंड ये है टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व फेराड ठीक है और कूलम पर वोल्ट बट साइंटिस्ट को याद रखने के लिए हम फेराड का यूज करते हैं वैल्यू देखिए टेन एस टू माइनस सिक्स और इसको थोड़ा फील करें अगर मैं कहता हूं वन माइक्रो फेराड है इसका क्या मतलब है एक वोल्टेज लेकर के एक वोल्टेज ड्रॉप जितना इंक्रीज करेगा और वन कूलम जितना चार्ज स्टोर करेगा वन माइक्रो फेराड का मतलब यह हुआ यानी वन फेराड यानी कि कुलम पर वोल्ट तो इतना एक वोल्टेज में इतना अब मुझे एक चीज बताइए कमेंट करके आंसर दीजिए दस कुलम चार्ज को बढ़ाने के लिए एक कैपेसिटर एक है जो दो वोल्टेज लेता है और 10 कोलम चार्ज बनाने के लिए एक कैपेसिटर 10 वोल्टेज लेता है इनमें से गुड कैपेसिटर कौन है अगर तुमने मेरे शब्दों पर ध्यान दिया है बहुत अच्छे से समझा है तो आप इसका आंसर कमेंट में देखो 10 कुलम लाने के लिए दो वोल्टेज राइज करेगा और 10 कुलम बनाने के लिए 10 वोल्टेज ले रहा है अच्छा कौन है जाहिर सी बात है ये वाला बहुत अच्छा हुआ क्योंकि इसका वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ेगी हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ही बढ़े और चार्ज ज्यादा में ठूस के भर लो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी बढ़ गया तो आयनाइजेशन जल्दी स्टार्ट होगा आयनाइजेशन जल्दी स्टार्ट होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन दबा दबा अंदर घुसने लगेंगे एट एट द द टाइम आई नॉट इंक्रीज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑल तो अच्छा कैपेसिटर वो है जो ज्यादा चार्ज आपको दे कम वोल्टेज का इंक्रीमेंट करके जो ज्यादा वोल्टेज का इंक्रीमेंट करके चार्ज दे तो वो तो बहुत जल्दी आयोनाइ हो जाएगा वो अच्छा कैपेसिटर नहीं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक है चलिए बच्चा तो ये कैपेसिटर की कहानी हुई सी बराबर क्यू बाई वी हमें यहाँ से पता चल गया एक यहाँ पर एक और चीज नोट कर सकते हैं आप क्या धरती माता हमारा कैपेसिटर है जी हाँ बिल्कुल है क्योंकि सी बराबर क्यू बाई वी है धरती माता को गोल मानो तो के क्यू बाई आर क्यू से क्यू कटेगा आर बाई के आर चौसठ सौ किलोमीटर के नाइन इंटू टेन एस नाइन रख दीजिए तो सेवन वन वन माइक वैल्यू आता है तो किसी भी गोल वस्तु के लिए गोल ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारा कैपेसिटर है वो फोर एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर होता है ओके बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एंड बहुत अच्छा डेरिवेशन है यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप जाओ आइए बच्चा इसका डेरिवेशन बहुत बार पूछा जा चुका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ सकता है इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए बहुत आसान भी है तो अभी हमने देखा कैपेसिटर की पूरी कहानी अब इसकी कहानी में भी थोड़ा सा एक फील कराता हूँ आपको बड़ा मजा आएगा सुन के कि कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट आया तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला यार ठीक है कैपेसिटर बन गया एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आ रही है बट एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आ रही है बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे जैसे ये प्लेट है जैसे जैसे ये प्लेट है तो ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल रही है ना हवा में कन्फाइंड नहीं है तो मैं ऐसा यूज़ भी क्या करूंगा कैसे कर पाऊंगा ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि पानी की मुझे आवश्यकता है और कोई एक आदमी बाल्टी लेके पानी आया बोला ले यूज़ कर ले और मैंने पूरा पानी ऐसे गिरा दिया ब्लोन फैला हुआ है आई कैन नॉट यूज़ दैट पानी द वे आई कैन यूज़ द पानी वन इट इज़ स्टोर्ड वे तो वैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार अगर एक कंडक्टर पर मैं चार्ज रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ तो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हमें काम चाहिए जो मैं बातचीत कर रहा हूँ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है फ्यूचर में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कंबाइन होकर वेव बनाता है और वेव इज अ काइंड ऑफ एनर्जी का सोर्स तो हम वही पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी आई बट दिस इज़ नॉट यूजफुल अभी ये पूरा बिखरा हुआ है तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए प्रयास करते करते उन्होंने क्या बोला सबसे अच्छा तरीका है कि एक प्लस प्लेट लो उसके सामने माइनस लगा दो तो प्लस माइनस अट्रैक्ट भी करेगा पूरी तरह से मत कर दो ऐसे चिपटा क्योंकि पूरी तरह से चिपटा कर दो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के बाहर चला गया और बहुत दूर भी नहीं रखो क्योंकि फिर भी वो ब्लोन है तो बहुत जितना हो सके उतना पास रखो चिपका के ही मत रखो उसके लिए बीच में एक स्लैब रखा जाता है जिसको हम डायलेक्ट्रिक स्लैब पढ़ते हैं जो अभी हमने पढ़ा भी था उसका हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से जन्म लेता है कॉन्सेप्ट एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट के बीच में कैपेसिटर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटर है तो एक आपका प्लस प्लेट दूसरा आपका बच्चा लोग होता है माइनस प्लेट अब देखिए प्लस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो आउटसाइड ऐसे आउटवर्ड और माइनस की वजह से ऐसे इनवर्ड तो नेट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो आपका हो गया पॉजिटिव प्लेट की वजह से सिग्मा बाई टू अफसलान नॉट और सिग्मा बाई टान नॉट यानी कि सिग्मा बाई अफसलान नॉट पूरे चैप्टर में आप फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो वी और ई और डी के बीच में एक रिलेशन है तो वहां से वी बराबर में हम ईडी यूज कर सकते हैं आप बोलोगे सर वी पी इंटीग्रेशन में माइनस था माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड वाइज हम माइनस को हटा सकते हैं तो देखिए वी बराबर में हो गया सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट एंड डी बच्चा हम इस सिग्मा को क्या कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा आपका क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन एंडी और अब हम इस क्यू की जगह पर एज पर द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्यू बराबर सी वी तो हम यूज कर सकते हैं अपॉन नॉट तो देखिए बी से वी कट गया तो सी निकल कर क्या आया नॉट डिवाइडेड डी जहां पर डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है और ए क्या है तो प्लेट की एरिया है ठीक है नॉट अभी इनके बीच में कुछ नहीं है तो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस स्पेसिटर के दो प्लेटों के बीच में फ्री स्पेस डाला गया ऐसा होता नहीं है लेकिन रखा है तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट का फॉर्मूला कर आया सी बराबर में ए अफ्सला नॉट डिवाइडेड बाय डी प्लेट में हम कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं तो इसका डेरिवेशन नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ क्वालिटेटिव फॉर्मूला है तो याद रखिएगा वन बाई टू सी वी का स्क्वायर दिस इज एनर्जी इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर दूसरा भी एक फॉर्मूला बन सकता है अगर मैं सी वी को तोड़ दूं तो क्यू तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी एक और फॉर्मूला बन सकता है बच्चा लोग ई इज इक्वल टू हम सी वी इंटू वी करेंगे तो सीवी आपका क्यू हो जाएगा तो क्यू इन वी डिवाइडेड बाई टू है ना तो ये फॉर्मूला आप तब लगाइए जब कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ जोड़ा है एनर्जी पूछा है चार्ज पता है बैटरी नहीं पता है चार्ज और बैटरी पता है तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे तो ये इनका कोई डेरिवेशन नहीं है ओनली क्वालिटेटिव फार्मूला ही फार्मूला याद करना है नो no डेरीवेशन तो इसमें कोई डेरीवेशन नहीं लेकिन ये आपका डेरीवेशन है तो अब आप जरा इस फॉर्मूले को देख करके समझिए कि क्यों साइंटिस्ट प्लेट को बहुत पास ला के रखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि प्लेट जितना पास होगा ना उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा और कंडक्टर का प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा ना उतना ज्यादा ही बचा लो कैपेसिटेंस बड़ा होगा ज्यादा होगा हम यही तो चाहते हैं तो सी इज इक्वल टू ए अफसलाइडेड बाई डी चलो आगे बढ़ते हैं इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन इफेक्ट ऑफ डाई ऑन कैपेसिटेंस फिर इनके पैरल कॉम्बिनेशन और हम वो भी देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस बहुत बड़ा एक प्यारा सा डेरिवेशन है आइए इसको समझते हैं और फिर हम कॉम्बिनेशन के अंदर भी जाएंगे एनर्जी कैपेसिटर ओके कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ठीक है चल बच्चा देखिए ध्यान से देखिए बच्चा लोग अब जरा वापस रिकॉल करते हैं सारी चीजों को कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं इस बात पर यह बात कि हम चार्ज को कितना स्टोर कर सकते हैं किस बात पर डिपेंड करता है कितना वोल्टेज बढ़ रहा है यानी कितना तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाए तो आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाए और एक बार आयनाइजेशन स्टार्ट हो गया तो आप और कैपेसिटर को बढ़ा नहीं सकते कैपेसिटेंस नहीं बढ़ा सकते यानी जड़ कौन है प्रॉब्लम का प्रॉब्लम का जड़ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वही तो आइनाइजेशन कर रहा है वही तो सारी चीज़ें कर रहा है बच्चा वही सारी बकैती कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ बढ़ता है तो आइनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तो क्या कोई एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर लें कैसे भी करके अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर लें और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे एक्सप्लेनेशन में क्या था हंड्रेड न्यूटन पर कूलम बाद में ये इलेक्ट्रॉन और प्लस को अलग कर रहा था अगर मैं इस हंड्रेड को वापस टेन कर लूँ टेन न्यूटन पर कूलम तो वापस टेन 10 से हंड्रेड होने तक मैं और चार्ज रख पाऊंगा गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट इसके लिए आपको थोड़ा जो पिछले वाला है उसको सोचना पड़ेगा कैपेसिटर की कहानी को कि सचिन सर चार्ज रख रहे थे दस हजार कुलम तक रखे थे हंड्रेड के बाद में प्रोसेस हो गया था आयनाइजेशन तो अगर मैं इस हंड्रेड न्यूटन पर कुलम को जीरो ना करूं क्योंकि जीरो कर देने का मतलब एनर्जी स्टोर ही नहीं कर पा रहे हो आप फिर क्यों ऐसा क्योंकि जो हम कैपेसिटर है उसको बारे में ये कह रहे हैं कि कैपैसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो भी नहीं कर सकते उसे कम करने की कोशिश कर रहे हो जीरो भी नहीं कर सकते क्योंकि जीरो कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म की कोई एनर्जी नहीं है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फिर भजिया पड़ेंगे तो इज देर एनी प्रोसेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया जा सके थोड़ा रिकॉल करिए आंसर है यस हमने पढ़ा था पोलराइजेशन थोड़ी देर पहले ही जिसमें अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है कितना कम होता है अभी वो डराइव करेंगे और उसके कम हो जाने से कैपेसिटर बढ़ सकता है क्योंकि 100 से 10 हो गया तो फिर चार्ज रख रहे हो तो 10 से 20 20 से 30 30 से 40 लेकिन तब तक तो आप चार्ज और रखते चले गए है ना तो ये एक तरीका होता है और यही रीजन होता है कि क्यों कैपेसिटर के, के दो प्लेटों के बीच में स्लैब रखी जाती है और वो भी डायइलैक्ट्रिक सोचो कंडक्टर क्यों नहीं रखते क्योंकि कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है हम वो नहीं चाहते क्योंकि हमारी एनर्जी किस फॉर्म में आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आइए तो समझते हैं तो बच्चा लोग ये आपका कैपेसिटर का प्लस प्लेट और ये आपका कैपेसिटर का माइनस प्लेट ठीक है इसके अंदर हमने रखा बिल्कुल एकदम घुसा करके वैसा उतना उतना थिकनेस जितने थिकनेस का हमारा कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में स्लैब है ये हमने रखा कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही हमने मोटाई वाला एक वो रख दिया स्लैब तो यहाँ माइनस माइनस बचेंगे और यहाँ प्लस प्लस बचेंगे पोलराइजेशन की वजह से अंदर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ठीक है अच्छा ये जो एक्सटर्नल प्लस प्लस है और ये जो एक्सटर्नल माइनस माइनस है इन्होंने यहाँ पर प्लस करके खींच के रखा है और इसने माइनस खींच रखा है तो इनसे जो आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या मैं उसको कुछ अच्छा सिखा रहा हूं। ध्यान देना कि आपके टेक्स्ट बुक बहुत में किया है सिंपल नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में किया है और एक्सप्लेनेशन उतना सही नहीं है उसी को मैं ऐसे बता रहा हूँ और अगर ऐसे भी आप करोगे पूरे में से पूरा मार्क्स मिलेगा तो सिग्मा बी है आपका बाउंड चार्ज डेंसिटी ठीक है बच्चा यह है बाउंड बाउंड मतलब क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ बंधे हुए ये बंधे हुए क्यों है क्योंकि प्लस वाले लोग बांध करके रखे हैं माइनस वाले बांध के रखे हैं जब ये डायलैक्ट्रिक स्लैब नहीं था पहला पॉइंट इन द एबसेंस ऑफ स्लैब स्लैब नहीं था तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई वो था आपका सिग्मा एफ अपॉन अफ्सलान नॉट सिग्मा एफ मतलब फ्री ये जो प्लस प्लस थे माइनस माइनस थे ये लोग बेचारे फ्री थे इनको कोई काम नहीं करना था इसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन जैसे ही प्रेजेंस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब अंदर डाइपोल मोमेंट्स बनने लगे प्लस से माइनस ठीक है तो अंदर जो डाइपोल मोमेंट बन रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में इसी को भी पोलराइजेशन कहते हैं इसको भी पोलराइजेशन कहते हैं प्लीज याद रखिएगा ऐसा ही वर्ड आएगा मैग्नेटाइजेशन आप लोगों का एक फॉर्मुला हमने पहले पढ़ा यस yes. वो अपसला नॉट स्काई इंटू कैपिटल ई आया है इसी डेफिनेशन से किस से फिर से सुना ध्यान से पर यूनिट वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में जो हमारा डायपोल मोमेंट है डाइपोल मोमेंट टोटल डाइपोल मोमेंट उसी को हम पोलराइजेशन कह रहे हैं कैपिटल पी ठीक ओके सर चलिए अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है तो सिग्मा बी इंटू ए क्योंकि पी बराबर क्यू इंटू डी है ये डिस्टेंस आपको हमने डी बोला पी के जगह पर क्यू इंटू डी है क्यू के जगह पर सिग्मा इंटू ए है और डी और फिर ये आपका वॉल्यूम ए इंटू डी कटा तो आपका पोलराइजेशन किसके बराबर आया बच्चों सिग्मा बी के बराबर आया दिस इज इक्वेशन नंबर वन और इन द प्रेजेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब यहां लिखना चाहिए था इन द प्रेजेंस ऑफ स्लैब तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ ये आपका हो गया सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी अपन कहा होगा अंदर कम हो जाएगा ना तो सिग्मा नोट तो सिग्मा एफ बायसलाइनसा बी बाई अफसलान नोट सिग्मा एफ का जब स्लैब नहीं है तब स्लैब आ गया तब ये तो नेट कितना तो माइनस करना पड़ेगा माइनस क्यों कर रहे हैं भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है प्लस से माइनस पीली वाली और ये जो दूसरे कलर की है वो अंदर ऐसी है तो ये आया ठीक है इसको ध्यान से करते हैं तो ओपन के, करने के लिए सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सिग्मा एफ की जगह पर हम यहां से लिख सकते हैं इनोड अफ्सला नॉट और फिर बच्चा लोग सिग्मा बी की जगह पर आपका पी है पी आपका क्या है स्काई नॉट एंड देन कैपिटल ई ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है थीके? चलो अभी देखो ध्यान से इसके बाद का स्टेप

और यहाँ पर क्या है ई नॉट अपसला प्लीज कंसंट्रेट मारिएगा अलग कलर ले रहा हूँ ये जो आपका मैंने जस्ट मार्किंग करा ना उसको हम अपसलान कहते हैं व्हाट इज अपसलान परमिटिविटी ऑफ द मीडियम व्हाट इज अपसलान नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और अपसला नॉट ब्रैकेट वन प्लस इसका ई अपसलान के बराबर है तो आपका आंसर आएगा ऊपर वाले इक्वेशन में फिर से रखा मैंने इसके जगह पर अपसलान करा नॉट सो फाइनली इज इक्वल टू ई नॉट अपन और इसे ही हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन में epsilon upon epsilon नीचे ला सकता हूँ ऐसा लाने के पीछे कारण कारण है बच्चा लोग ये वैल्यू क्या कहते हैं इसे डायलेक्ट्रिक स्लैब तो आपका ई e जो है वो आपका देखो ई नॉट बाई के हो गया यही आप पोलराइजेशन का एडवांटेज ले रहे हो कि जैसे ही मैं एक्सटर्नल एक हजार एक्सटर्नल एक हजार न्यूटन पर कूलम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा डायलैक्ट्रिक स्लैब रख दूं जिसकी वैल्यू सौ है तो एक हजार बटे सौ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा हंड्रेड तो एक हजार से हंड्रेड हो गया ना तो अगर एक हजार से हंड्रेड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया आप यही तो चाहते हो यार आप यही तो चाहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो ताकि फिर से हम बढ़ाने लग जाए तो थियरी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे कोई भी सवाल कर पाओगे सो दिस हैपेंस वेन वी ट्राई टू पुट अवर स्लैब इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है और इससे कैपेसिटेंस को क्या फायदा मिलता है वो देखिए तो ये हमारा स्लैब है कैपेसिटर के प्लेट के बीच में आ गया ठीक है बच्चा ठीक है मेरी जान बचा लो ओके सर इसका डिस्टेंस अभी ऐसा समझना कि डी और इसका जो थिकनेस है वो इक्वल ही है ऐसा मान के चलिए एकदम चिपका हुआ है ये ऐसा स्लैब हमने रखा तो पहले कैपेसिटर क्या होगा तो पहले कैपेसिटर ऐसा रहा होगा लेकिन बाद में के लो। तो स्लैब के लिए अफसलान है दोनों को डिवाइड करो तो सी डे बाई सी ए बाई डी ए बाई डी कटा अफसलाना नॉट कैपिटल के, के हो गया तो सी डेस बराबर देखो क्या हो गया सी के हो गया है ना चमत्कार यानी कोई भी कैपैसिटर दस माइक्रोफेराट का है मैं उसमें स्लैब रखता हूँ पांच का तो अपना नया कैपेसिटी कितना हो गया यार यही तो फायदा है यही तो फायदा है किसका स्लैब का लेकिन ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे C बराबर C के जब हमारा थिकनेस इस स्लैब का डी के बराबर हो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट आपके सीबीएसई ने कई बार पूछा है इम्पोर्टेंट फॉर जे नीट एज वेल एज सी बी एस ई एग्जाम किताब में है नहीं बट पूछा है बहुत बार पूछा है अगर मान लो कोई ऐसी सिचुएशन हो गई कि कैपेसिटर का प्लेट का ये प्लस प्लेट ये माइनस प्लेट और उसमें स्लैब हमने रखा ऐसा ये उसकी थिकनेस कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का डिस्टेंस तो इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि जो थिकनेस है वो लेस देन डी है तब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगेगा वो ए एफ सला नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी लगेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसका कोई डेरिवेशन वर्शन नहीं आपको याद रखना है आया भी है बहुत बार तो d माइनस टी प्लस टी बाई के जानते हैं ऐसा क्यों होता है अगर मैं ये हटा ये thickness हटा दूँ इसके जगह पर हवा समझ लो तो हवा के लिए जो डायलैक्ट्रिक स्लैब होता है ये भी याद रख लीजिए हवा के लिए कैपिटल के वन होता है और कंडक्टर के लिए ना बच्चा ये आपका इंफिनिटी होता है ठीक है तो अगर हवा के लिए एक है तो यहाँ एक रखो तो माइनस टी प्लस टी कटेगा तो एप सला नोट बाई डी आ जाएगा तो ये होती है कहानी आपके स्लैब की

तो कैपेसिटेंस क्या होगा ए नॉट अपॉन डी माइनस टी थ्री बाई फोर डी प्लस डी माइनस टी बाई के और के कितना है स्लैब स्लैब की वैल्यू कितनी है डायलिट्रिक स्लैब व्हेन द स्लैब इज़ इंसर्टेड बिटवीन द द सेपरेशन ऑफ द प्लेट हाउ इज देंज वेन द स्लैब इज इंस बिटवीन द प्लेट्स के की वैल्यू दी है देखिए बच्चा मेरे इस फॉर्मूले से क्वेश्चन कितना आसान बन गया स्लैब की वैल्यू नहीं दे रखी है तो एज इट इज़ कैपिटल के बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो डी मैंने थ्री डी बाई फोर डी बाई फोर हुआ प्लस थ्री डी बाई फोर के हुआ यहाँ से मैंने डी बाई फोर कॉमन कर लिया वन प्लस थ्री के और ये जो एफ सला नॉट बाई डी है ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस है सी नॉट नीचे वाला एलसीएम लिया के ऊपर आ गया तो ये मेरा आंसर एक सिंपलेस्ट तरीका है करने का बाकी अगर आप इसे टेक्स्ट बुक वाले मेथड से करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा वैसे इन्होंने क्या करा है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ जैसे कि ये कैपेसिटर की प्लेट है और थ्री डी बाई फोर मतलब कि ये स्लैब हुआ अब यहां पर ना दो तरीके का मीडियम दिख रहा है एक है ये हवा वाला मीडियम और ये है प्लेट का मीडियम तो जो हवा वाला मीडियम है उसमें V बराबर क्या लगेगा ई नॉट इंटू डी तो ई नॉट इंटू डी बाई फोर हो गया क्योंकि अगर पूरा डी है थ्री डी बाई फोर ये है तो ये बच्चा डी बाई फोर और जो ये है बच्चा मीडियम तो मीडियम के अंदर क्या होता है ई बाई के तो ई नॉट बाई के हो गया एंड देन थिकनेस फिर इसी को सॉल्व किया गया है ई नॉट के जगह पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लेकर के लास्ट में आंसर आपका फोर K बाई के प्लस थ्री एंड देन सी नॉट इज द करेक्ट आंसर चलिए अब आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं दैट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन इन्हें अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा फिर हम एक्सरसाइज में इसके कैसे क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चा समझिएगा कि कैपेसिटर के, के प्लेट्स कैसे कनेक्ट होते हैं ये जो सिंबल है वो कैपेसिटर्स के, के प्लेट हैं ये देखो अगर आप ऐसा समझो ऐसा सिर्फ समझने के लिए आप बैटरी या रियल में ये ए सी पर ही काम करता है अगर ये यहाँ से आप देखो तो करेंट को पास होने के लिए एक ही रास्ता मिल रहा है करेंट एक है तो चार्ज भी सेम हो गया तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहली और सबसे खास मुद्दा कि इसमें हमेशा चार्ज सेम होगा चार्ज हमेशा क्या होगा सेम होगा लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चा वो आपका डिफरेंट होगा ऐसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर 100 वोल्टेज की बैटरी है इसको 20 मिला तो इसको कितना मिलेगा 70 इसको बाबू 30 मिला तो इसको सॉरी इसको 20 मिला तो इसको 80 इसको 10 मिला तो इसको 90 मतलब हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा अगर कैपेसिटेंस सेम सेम है तो इक्वली सौ का पचास पचास होगा बट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ सो है तो यहाँ एक सौ बीस हो जाए जोड़ने पर वो हमेशा एज एट इज रहेगा सम हमेशा इक्वल रहेगा अब देखो ये जो प्लस है वो इसको यहाँ मिल जा रहा है यह ये माइनस यहाँ मिल जा रहा है बीच वाला बोल रहा है भाई हम कौन सा पाप किए हैं इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है बट जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सम के बराबर होगा इसका मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस वी वन इसका वी टू ये वी है तो हमेशा सम के बराबर होगा वी बराबर क्यू बाई सी होता है क्यू बाई सी वन प्लस क्यू बाई सी टू है आपका क्यू बाई सी तो आपका आंसर आ गया वन अपॉन सी वन प्लस कॉम्बिनेशन का रिजल्ट अब जरा पैरेलल देखिए तो पैरेलल में बाबू ऐसे ये है बैटरी का प्लस और ये है बैटरी का माइनस <laughs> देखो अब ये प्लस तो प्लस इनको मिल जा रहा है ये माइनस तो इनको माइनस मिल जा रहा है मतलब ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है और ये यहाँ मिल जा रहा है ये यहां मिल जा रहा है आप एक और चीज नोट करेंगे कि प्लेट्स के एंडिंग्स आपस में ही कनेक्टेड हैं तो पैरेलल में प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं तो यहां पर पहला पॉइंट बट करंट को चलने के लिए दो अलग अलग रास्ते एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो यहां पर चार्ज डिफरेंट हो जाता है करंट डिफरेंट है इसलिए चार्ज आपका क्या होगा डिफरेंट जस्ट अपोजिट टू दिस यहाँ चार्ज सेम था यहाँ चार्ज डिफरेंट है और यहां पर जो वोल्टेज है वो बच्चा क्या होगा सेम रहेगा क्योंकि कनेक्शन इस तरीके का है कि ये वाला बैटरी का प्लस यहां यहाँ बराबर मिल रहा है ये बैटरी का माइनस देखो यहां 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 बराबर आ जा रहा है ओके <coughs> बट okay. जो टोटल आपका चार्ज होगा वो सम के बराबर होगा क्यू बराबर क्या होगा सी बी यहाँ ई क्यू कर देते हैं दैट मीन इक्विवेलेंट यह आपका सी वन भी यह आपका सी टू भी तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस में सी टू तो ये आपका फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड यह आपका फॉर्मूला है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल टू पॉइंट नाइन है एक नेटवर्क है दस दस माइक्रो फेराड का कैपेसिटर है पांच सौ वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्टेड है कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो तो सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप देखो यहां से बैटरी 500 वोल्टेज की दी है यहां जो भी करंट चढ़ेगा वो करंट यहाँ 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 सब में से सेम जा रहा है तो ये सीरीज में तो इनका जो रिजल्ट हो गया सीरीज में वन अपॉइन सी प्लस वन अपॉइन सी प्लस वन अपॉइन सी, सी यानी कि सी बाई थ्री इसे मैं सी डैस कह दू तो ये टेन बाई थ्री माइक्रो हुआ फिर आप रीडरो कर लो तो ऊपर वाला सी डैश और नीचे वाला कैपेसिटेंस और यहाँ पर बैटरी कुछ इस तरीके का दिखेगा अब देखिए सी डैश और सी पैरेलल में है तो पैरेलल में हम क्या करते हैं बच्चा लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो टेन बाई थ्री प्लस में टेन इसकी भी वैल्यू टेन है सब सेम है तो ये आ गया आपका फोर्टी बाई थ्री माइक्रो फेराड दिस इज योर ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी पार्ट बी है क्या जी द चार्ज ऑन ईच केपैसेट ये बहुत इंटरेस्टिंग है पार्ट बी सब पर चार्ज निकालने के लिए क्यू बराबर सी वी चाहिए क्या वोल्टेज दिया है देखिए ये जो वोल्टेज है वो इसको भी मिलेगा सेम इसको भी मिलेगा सेम तो ये जो चौथे नंबर की प्लेट है उसके चार्ज को अगर मैं क्यू फोर बोलूँ तो सी फोर इंटू सी फोर हमारा दस था माइक्रो यानी टेन एस टू माइनस सिक्स वोल्टेज कितना है आपका फाइव हंड्रेड दिस मीन्स फाइव थाउजेंड माइक्रो फेराड माइक्रोकुल आपका क्यू फोर हो गया और ये जो सी डैस है तो उसको जो चार्ज मिलेगा क्यू डैस वो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा क्योंकि क्यू बराबर सी वी होता है तो सी डेस की वैल्यू टेन बाई थ्री एंड वोल्टेज आपका फाइव हंड्रेड है तो काट देंगे बच्चा लोग तो फाइव थाउजेंड बाई थ्री माइक्रोकुल बट दिस इज नॉट दी आंसर हाँ, ये आंसर था क्योंकि ये कैपेसिटर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है लेकिन ये जो आपका सी डैश है वो इन तीनों का रिजल्ट है बट जरा ध्यान से सोचिए क्या ये कैपेसिटर सी डैश इन तीनों के सीरीज का रिजल्ट है हाँ और सीरीज में क्या सेम होता है चार्ज सीरीज में क्या सेम होता है चार्ज तो अगर यहां पर चार्ज सेम है तो यही वाला क्यू डैश ये वाला क्यू वन क्यू टू ऊपर वाला और फिर क्यू थ्री नीचे वाला सबको सेम मिलेगा इस चीज को बहुत ध्यान से आप एक बार सोचिए जो मैंने यहां पर बोला सीरीज में चार्ज हमेशा सेम होते हैं ठीक है तो चार्ज ये वाला सबको इक्वली मिल जाता है ओके बच्चा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आपके सिलेबस में सिर्फ इसका फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हाफ सी वी का स्क्वायर बट एक चीज याद रखिएगा एनर्जी डेंसिटी एमसी क्यू आ सकता है एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी बाई वो ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में भी आएगा जहां पर हम बी स्क्र बाई टू म्यू नॉट पढ़ रहे होंगे तो ये है आपका एनर्जी स्टोर्ड स्टोर कैपेसिटर चलिए एक और सवाल करते हैं क्वेश्चन इज अ अंड्रेड पीको वोल्टेज तो सबसे पहले आपने नाइन हंड्रेड पीको फ्राइड के कैपेसिटर को सौ वोल्टेज से चार्ज कर लिया तो आपको इनिशियल एनर्जी तो ऐसे ही मिल जाएगी वन बाई टू सी नाइन हंड्रेड पी को टू माइनस ट्वेल्व और वोल्टेज कितना है सौ तो सौ बुढ़े सौ दो से काट देते हैं इसको या दो से इसको काट दीजिए 50 9 पचे 45 45 दो जीरो दो एक तीन तो पाँच माइनस बारह में से पांच चला जाएगा माइनस में सात जूल अब कैलकुलेशन आप एक बार देख लीजिएगा बच्चा लोग रहा पहला पार्ट आपका हो गया बी पार्ट कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया बैटरी के साथ इसके साथ एन अदर नाइन हंड्रेड पी को दूसरा ंड्रेड पीकोफ्राइड कैपेसिटर को कनेक्ट किया What is इज द इलेक्ट्रोसिटिक एनर्जी in इन system? अब यहाँ से इस सिस्टम में गए तो यहाँ पर एनर्जी क्या स्टोर हुई तो देखो सिंपल सी बात है शुरुआत में जो आपका चार्ज था जब ये कैपेसिटर इसके साथ सौ वोल्टेज के साथ जुड़ा है तो Q बराबर में CV था अब ये तो चार्ज है सी वी लेकिन ये चार्ज नहीं है तो यहां से चार्ज यहां पर आएंगे क्योंकि इक्वल कैपेसिटर है तो एक्जैक्टली इक्वल चार्ज आएगा पहले कितना था क्यू अब कितना हो जाएगा क्यू बाई टू क्यू बाई टू तो अब सेकेंड टाइम में जो एनर्जी हुई ऊपर वाले कैपेसिटर की वो आपकी है क्यू बाई टू का स्क्वायर बाई टू सी ठीक है प्लस क्यू बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी एज पर द फॉर्मूला क्यू स्क् आपको बताया था एनर्जी के तीन फॉर्मेट आपसी स्क्वायर तब लगे जब सी और बी हो दूसरे वाले पार्ट बी में वोल्टेज नहीं है तो ये लगाया तो बच्चा ये आपका हो गया क्यू 8c सी प्लस क्यू स्क्ट सी वो फोर के साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये आपका हो जाएगा क्यू कैन राइट लाइक दिस तो ये जो है आपका इनिशियल हाफ सी बी स्क्वायर के बराबर ही है क्योंकि हाफ सी बी स्क्वायर क्यू स्क्र बाई टू सी बराबर होता है तो इनिशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई टू इनिशियल जो भी है डिवाइड बाई टू कर दीजिए यानी कि टू पॉइंट टू फाइव साढ़े चार का आधा ठीक है तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है पी वाई के उसमें आए हैं कि इस तरीके से कैपेसिटर को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कई बार परसेंटेज लॉस के क्वेश्चन जेई मेन्स और नीट में पूछा गया उसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ चाहो तो आप यहाँ भी अप्लाई करके आंसर ला सकते हो और वो शॉर्टकट है वन बाई टू सी अपॉन सी वन प्लस सी का होल स्क्वायर ये सी जो भी है सी टू जो भी है अभी खैर यहाँ सी सी बराबर है और फिर वैल्यू वी वन शुरू का वोल्टेज वी टू लास्ट का वोल्टेज डिवाइड बाई वन बाई टू सी वन बी का स्क्वायर इंटू हंड्रेड परसेंट यह आपका परसेंटेज लॉस और अगर आप ये देखोगे तो ये चेंज इन लॉस है ठीक है तो परसेंटेज लॉस इस तरीके से निकालते हैं ये शॉर्टकट आप कंपटीशन एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं चलिए और देखते हैं और क्या है इस चैप्टर के अंदर 2.25 एंड दिस इज डन तो बच्चा इससे बेहतर मुझे नहीं लगता आपको कि कहीं पर भी पूरी फिजिक्स मिलेगी इस पूरे वीडियो के अंदर हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है अब बात आती है कि एनसीआर के इस चैप्टर के 11 एक्सरसाइज क्वेश्चन की तो उसका वीडियो कमेंट में पिन किया गया है आप देख लीजिए दबंग बैच के 14 लेक्चर्स प्लस 14 सेपरेट एनसीईआरटी के सॉल्यूशन वीडियोस जो भी देख लेगा उसकी पूरी फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी आपको यहाँ मज़ा आ रहा है बच्चा लोग फिर भी आपको डाउट अगर जनरेट हो रहे हैं आपको मुझसे पर्सनल पढ़ना है तो क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा हमारे पेड बैचेस भी आपका इंतज़ार करेंगे आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं हमसे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ़ फीस के साथ ठीक है साथ में अगर करियर गाइडेंस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा चैनल है सचिन सर फिजिक्स एस नॉलेज हब उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड बच्चा ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा मिलते हैं आप लोगों से चैप्टर नंबर थ्री में तब तक खुश रहें मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें सी ऑल द नेक्स्ट क्लास टिल देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल यू मॉम टेक केयर लव यू ऑल जय हिंद